मेरी दिख रही है सर, दिख रही है। ना। ओके तो ये है हमारा जो टॉपिक है। टॉपिक का सबसे जो सीनियर मोस्ट टॉपिक कह लीजिए या फिर ब्रॉडेस्ट कह लीजिए वो है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। राइट, तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का जो हमारा कंसेप्ट है हमारे सिग्नल डिपार्टमेंट के लोग ज्यादातर जानते हैं, बट टेलीकॉम के डिपार्टमेंट लोग समझ जाए कि जैसे हमारी पहले पैनल इंटरलॉकिंग या RRI हुआ करती थी, उन सभी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम करके डाल दिया गया है और रिलेज का कुछ हिस्सा एक्स्ट्रा रह जाता है, उसको हम आगे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस PPT में जो कंटेंट्स है उसको मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। शुरू में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे हल्का सा, देन वी विल गो थ्रू सम ब्लॉक डायग्राम्स, फिर लॉजिक का कंसेप्ट क्या है, इसके डिजाइन को समझने की कोशिश करेंगे, फिर फैट और सैट क्या है वो देखेंगे, और फिर हम उन क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अर्ली एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन जो कि आप के सामने है, बेसिकली ये पूरा का पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का हमारा डेफिनेटली साइट के जो गियर है एक स्टेशन पे, पॉइंट सिग्नल, LC गेट वगैरह, उन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारा एक सेंट्रलाइज कंट्रोल जहां पर हम देंगे एक पैनल के थ्रू, वो पूरी कंट्रोलिंग हम एक कंप्यूटर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के जरिए करने वाले हैं, जो कि AI का सीधा सीधा मतलब है। बहरहाल क्वेश्चन अराइज होता है कि इसकी जरूरत आखिर हमें पड़ी ही क्यों। तो हमारा जो कन्वेंशनल सिस्टम होता था उसमें पूरी के पूरे लॉजिक को या फिर सर्किट डायग्राम को कहिए रिले फॉर्म में जब हम बनाने जाते थे तो बहुत सारे रिलेज लगती थी, बहुत सारा वायर, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स डायग्राम वगैरह होता था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग आने के बाद उन सबका साइज बिल्कुल रिड्यूस हो गया। तो सारा का सारा जो लॉजिक सर्किट का लगभग 60-70% हिस्सा होता है वो हम प्रोग्राम करके एक माइक्रो प्रोसेसर में स्टोर कर लेते हैं और सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको कंट्रोल करते हैं। तो इससे हमारे जो रिलेज की जो आवश्यकता थी वो भी कम हो गई, जगह भी कम हो गई, वायरिंग की भी हमको जो जो हमारे पास वॉल्यूम था वो भी कम हो गया। अब ये सब कम होगा तो डेफिनेटली हमारे सोल्डरिंग के वो स्पेसेस जो लगते थे सोल्डरिंग भी कम हो जाएंगे, तो फेलियर पॉइंट्स भी हमारे डेफिनेटली इसके साथ साथ कम हो जाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा रिले, जितनी ज्यादा वायरिंग, उतनी ही ज्यादा फेलियर की संभावनाएं भी होती हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज तो हमारे पास है वो ये है कि आए दिन आपको जब भी अपने एग्जिस्टिंग रूट रिले इंटरलॉकिंग में या पैनल इंटरलॉकिंग में अल्टरेशन करना पड़ता था तो बहुत सारा टाइम जाता था हमारा यार्ड अल्टरेशन को एग्जीक्यूट करने में, बड़े बड़े TW हमको लेने पड़ते थे, लॉन्ग आवर्स लगते थे। तो AI के आने के बाद वो टाइम बहुत कम हो गया और इसका इंस्टॉलेशन बड़े से बड़े AI का एक बार आपने प्रिलिमिनरी वर्क अगर कर लिया है तो जब कमीशन करने जाते हैं तो 4 से 6 घंटे, 8 घंटे में सारा काम हो जाता है। और डेफिनेटली हमारा पावर का कंजम्पशन भी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा कम हो गया है, क्योंकि तो हमारे इलेक्ट्रिकल लोड्स बिल्कुल आधे हो गए। तो ये थी AI। AI का एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर बता के मैंने समझाने की, दिखाने की छोटी सी कोशिश यहाँ पर है। आप देखिए कि आपका ये जो है हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, यह हमारा इंटरफेस करता है एग्जिस्टिंग रिले रैक से। वो रिले रैक्स को सारे इनपुट और आउटपुट उसके मिलते हैं अपने फील्ड गियर से, और ये जो वीडियो वाला हिस्सा है ये आपका रहता है स्टेशन मास्टर के पास, जहाँ से वो सॉरी ये मेंटेनेंस टर्मिनल है, मेंटेनेंस वाला वीडियो है जो हमारे ESM के पास रहता है, उसे जब भी कुछ देखना हो, एक्सप्लोर करना हो तो इसका सहारा लेता है। और फिर ये आपका कंट्रोल पैनल और ये आपका ऑपरेटिंग वीडियो। ये ऊपर का जो हिस्सा है ये स्टेशन मास्टर के रूम में है। ये ब्लॉक डायग्राम बेसिक कंसेप्चुअल डायग्राम है। सिस्टम को समझना है तो हमें उसका जनरल आर्किटेक्चर देखना होगा। तो जनरल आर्किटेक्चर देखेंगे तो हम सिस्टम को ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। इसकी जरूरत बाद में आएगी, मैं इसे बाद में आपको दिखाऊंगा, पहले हम कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ चलते हैं। ये देखिए ये हमारा जनरल आर्किटेक्चर है। ये जो दो बड़े बॉक्सेस दिख रहे हैं ज्योग्राफिकली हम इसको देखेंगे स्टेशन बिल्डिंग के फॉर्म में, तो एक हिस्सा स्टेशन मास्टर के रूम में है और दूसरा हिस्सा हमारा AI रूम कहला रहा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, हमारे टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लोगों ने देखा होगा कि स्टेशन मास्टर के बाद जो ऑपरेटिंग पैनल रहता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम उसको AI का पार्ट बना दें या मान लें।
बहुत सारी जगहों पर इस बात की आवश्यकता महसूस की गई थी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कर लेते हैं और पूरा का पूरा वीडियो यानी वीडियो डिस्प्ले यूनिट लगा के आप दे देंगे और कभी न खुदा न खास्ता कुछ वीडियो के साथ हो जाए तो तकलीफ हो जाएगी। पूरा एआई सिस्टम मेरा चालू रहेगा लेकिन वीडियो के बंद होने से हमारा सिस्टम जो है बिल्कुल डिसफंक्शनल हो जाएगा। तो शुरू शुरू में ये था कि ठीक है हम ऐसा करते हैं कि एक वीडियो लगाएंगे ही लगाएंगे लेकिन उसके साथ में पैरेलल में हम अपना वो पुराना वाला कन्वेंशनल पैनल भी रखेंगे, तो ये दो पैरेलल ऑपरेशंस के मोड हमारे पास उपलब्ध रहेंगे। तो इसी को आज की डेट में कहा जाता है सीसीआईपी, कंट्रोल कम इंडिकेशन पैनल, राइट। लेकिन जब भी हम कंट्रोल कम इंडिकेशन पैनल यानी पुराना वाला सिस्टम लगाना चाहते हैं और उसके साथ में एआई को इंटरफेस करते हैं ना, तो वो अकेला काफी नहीं होता, इसलिए हमको उसके साथ पीपी भी रखना पड़ता है। पीपी यानी ये पैनल प्रोसेसर, राइट। तो अभी हम देखें बेसिकली कि हमारा एआई का सिस्टम है क्या और काम कैसे करता है। तो देखिए बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिस्टम जो है वो है ये आपका, जहां पर लॉजिक प्रोसेसिंग का पार्ट होता है, सीपीयू ए सीपीयू बी, सिस्टम ए सिस्टम बी। या हार्डवेयर रिडंडेंसी के लिहाज से यहाँ पे प्रोसेसर वाले हिस्से अपने दो दिखाए जा रहे हैं, सिस्टम ए सिस्टम बी। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ सिंक रहते हैं, राइट। अभी जो सिस्टम ए सिस्टम बी है इन प्रोसेसर्स को कनेक्ट करना पड़ता है हमें वाइटल इनपुट कार्ड्स और वाइटल आउटपुट कार्ड्स से। ये इनपुट आउटपुट कार्ड्स क्या है, ये हमारे सिस्टम में जो इलस्ट्रेशन पे फील्ड में जो हमारे गियर्स लगे हुए हैं फिजिकली, सिग्नल हो गया, ट्रैक हो गया, पॉइंट हो गया, है ना, ब्लॉक हो गया, क्रैंक हैंडल्स, ऐसे गेट्स, उन सब के जो कंट्रोल्स है ना वो हम अपनी फिजिकल वायरिंग के जरिए किसी न किसी तरीके से इस कार्ड तक लेके आ जाते हैं। वो कैसे आएंगे हम आगे जाके दिखाएंगे आपको, अभी तो सिर्फ इतना देखते हैं हम। तो हमारा जो लॉजिक प्रोसेसर कार्ड है वो अपने सारे पेरिफेरल्स को इनके थ्रू अटैच करके रखता है और सारा इनपुट आउटपुट इन कार्ड्स के जरिए लेता है और इन कार्ड्स को आउटपुट देता है। और जो भी प्रोसेसिंग होती है, एक काम करते हैं समझने के लिए, सबसे बेटर होगा कि हम एक ऑपरेशन को करके देखें कि वो ऑपरेशन कैसे होगा। सबसे बेटर तरीका यही रहेगा। तो आप यूं समझिए कि स्टेशन मास्टर है, उसको एक गाड़ी किसी सिग्नल पे लेनी है अपने किसी लाइन पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा स्टेशन मास्टर क्या करता है, पैनल पे कुछ सर्टेन बटन्स के ऑपरेशंस करता है, कोई एक सिग्नल देगा। अब वो सिग्नल जब देता है तो सिग्नल का जो कमांड जाना चाहिए स्टेशन मास्टर इस पैनल के पास बैठा होगा, यहां से वो कमांड देगा। तो यहां से कमांड निकलेगी, अगर ये एनालॉग पैनल है, कन्वेंशनल पैनल है, तो पैनल प्रोसेसर के थ्रू वो कमांड जाएगी। अब वो कमांड हमारी आती है सीधे हमारे लॉजिक प्रोसेसर के पास, राइट। अब यहां से ये कमांड स्विच होके देखना पड़ेगा सबसे पहले कि जिस डायरेक्शन के लिए सिग्नल दिया जा रहा है उस डायरेक्शन में पड़ने वाले सिग्नल्स की, पॉइंट की, है ना, ट्रैक्स की क्या कंडीशन है। तो वो कंडीशन हमारे सिस्टम में पहले से हमारे पास अवेलेबल रहती है हमारे इनपुट आउटपुट कार्ड्स के थ्रू, या जो रीडबैक, सॉरी, हमारे इनपुट आउटपुट कार्ड्स के थ्रू हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद रहती है। तो सीपीयू स्टेशन मास्टर के द्वारा दी जाने वाली रिक्वेस्ट को सबसे पहले रीड करेगा। सीपीयू इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा कैसे, जो हमारा इंटरलॉकिंग का जो लॉजिक है जो इसके प्रोसेसर में पहले से हमने स्टोर करके रखा है, वो लॉजिक जो हम अपने सिलेक्शन टेबल के बेसिस पे बनाते हैं, उस लॉजिक के थ्रू इस कमांड को प्रोसेस करेगा। जो जो कमांड हमको स्टेशन मास्टर से मिली है वो कमांड प्रोसेस करने के बाद ये सीपीयू कंसर्न पॉइंट को रिक्वायर्ड पोजीशन में सेट करने के लिए ड्राइव करेगा। और ये ड्राइव करने के साथ ही जैसे वो पॉइंट्स आपके उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट हो जाते हैं और रिक्वायर्ड ट्रैक अपने प्रॉपर कंडीशन में है, तो हमारा जो सिग्नल को ये ड्राइव कर देगा, आउटपुट दे देगा। अब सिग्नल वो ड्राइव हो जाएगा, मतलब सिग्नल क्लियर हो जाएगा। सिग्नल क्लियर होने के बाद वो जो सिग्नल आ गया है वो भी रीड बैक फॉर्म में हमारे सीपीयू के पास पहुंचना चाहिए, तो उसका ये रीड बैक भी यहाँ से जाता है। तो इस तरीके से ये इसका प्रोसेस आएगा। और जैसे ही रीड बैक आ जाता है तो फाइनल हमारा ये क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन आगे के ऑपरेशन के लिए काम आती है और पैनल पे इंडिकेशन भी उसी के हिसाब से हमारा चेंज हो जाता है। और फिर जैसे जैसे वो गाड़ी उस पर्टिकुलर ट्रैक पे मूव करती जाएगी, आगे जाती जाएगी, उसी के हिसाब से हमारे पैनल के इंडिकेशन भी चेंज होते जाएंगे और रिले रूम में जो हमारे फील्ड वाले से जो रिलेटेड रिलेज हैं वो भी पिकअप ड्रॉप होती जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट अभी हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर एक तरह से लेके ले रहे हैं सिर्फ समझने के लिए। तो हम इस जनरल आर्किटेक्चर को अब अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये रहा सीसीआईपी, यहाँ से कमांड गई पैनल प्रोसेसर के पास आया, सिस्टम ए सिस्टम बी, ये दोनों प्रोसेसर, इन दोनों में ये कमांड जो आएगी बिल्कुल एक साथ प्रोसेस होगी।
ये प्रोसेसिंग किस बेसिस पे होगी, ये बेसिस हमारा वो प्रोग्राम रहेगा जो पहले से इस प्रोसेसर में स्टोर्ड है, वो प्रोग्राम कहाँ से आया, वो प्रोग्राम आपका एसटीएलटी जो एक स्टेशन का सिलेक्शन टेबल होता है उसके हिसाब से बनता है, और उसी के हिसाब से प्रोग्राम बना के उसमें स्टोर भी करते हैं। अब वो सिग्नल आप जिस भी लाइन के लिए दे रहे हैं उस सिग्नल में जो रिक्वायर्ड गियर है, रिक्वायर्ड कंट्रोल्स है, वो हमारे पास है या नहीं, वो इंश्योर होते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। जब वो इंश्योर हो जाते हैं, प्रोसेस पूरी हो जाती है, तो कमांड यहाँ से जनरेट होती है उस आवाज कट रही है सर। सॉरी किसी ने कुछ कहा क्या अभी? आवाज कट रही थी सर अभी। अनिल कुमार जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, फिर से बोलिए जरा। आवाज ठीक है, ठीक आवाज ठीक है, एक्चुअली देखिए, आवाज ठीक है। मेरा जो ऑफिस है ना वो यार लाइन के बिल्कुल बगल में है, तो थोड़ा ट्रेन वगैरह भी जाएगी ना तो थोड़ी सी तकलीफ आएगी, ठीक है? ओके सर, और नहीं आवाज अच्छा है सर, बढ़िया थोड़ा है। मेरी बोलने की गति थोड़ी तेज है, मैं कोशिश करता हूँ उसको धीमा रखूँ, ठीक है ना? ठीक तो देखिए, जो हम कमांड यहाँ से एक बार लॉजिक प्रोसेसिंग जब पूरा हो गया तो हमारा कमांड जाता है, तो हमारा ये जो वाइटल आउटपुट कार्ड है ना, इसके थ्रू वो सर्टेन वोल्टेज जो उस पर्टिकुलर गियर को ऑपरेट करने के लिए चाहिए वो यहाँ से जाती है। फिर ये के रेक रिले रेक से होता हुआ के रेक के थ्रू हमारा फील्ड में जो गियर है ना वो पॉइंट, जैसे मान लीजिए पॉइंट है 102, 102, वो सब ऑपरेट हो जाएंगे। पॉइंट के ऑपरेट होती है, पॉइंट सेट हो गया तो एक तरह से सिग्नल की कंडीशन हमारी पूरी हो गई, रूट चेकिंग वगैरह सब प्रॉपर हो गया, तो हमारा वो सिग्नल क्लियर हो जाएगा। सिग्नल के क्लियर होते ही वो सिग्नल का ग्रीन एस्पेक्ट मान लीजिए आ गया, तो उसका रीडबैक हमारे सिस्टम के पास पहुंचना चाहिए। वो रीडबैक हमारे सिस्टम के पास वापस आता है, ये रीडबैक दिखाया हुआ है। अच्छा, इसके साथ में ये देखिए आपके नीचे के कुछ चीजें हैं, ये दिखा रहे हैं हम लोग कि हमारा जो रिले रैक रहता है, रिले रैक से हमारा जो कन्वेंशनल डाटा लॉगर इक्विपमेंट है उसके साथ उसका हम लोग इंटरफेसिंग करके रखते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो डाटा लॉगर है वो हमारे एआई की भाषा को नहीं समझता। हमारा एआई एक सेपरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इसके जो लॉजिक्स जो डिजाइन किए गए हैं, और इसका कम्युनिकेशन का मीडिया भी थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, लेकिन हमारा जो डाटा लॉगर है वो डायरेक्टली हमारे एक दूसरे ओईएम की कंपनी के डेवलप किए गए सॉफ्टवेयर के साथ सीधा सीधा कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल कन्वर्टर लगाना पड़ता है ना? ये हमारे टेलीकॉम के बंधु जो लोग हैं ना वो इस बात को ध्यान में रखें, ये इट्स अ गुड क्वेश्चन दैट कम्स दैट कैन कम एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि डाटा लॉगर एआई के साथ कम्युनिकेशन कैसे करता है। तो साहब ये प्रोटोकॉल कन्वर्टर के थ्रू करता है, ठीक है? और फिर ये जो प्रोटोकॉल कन्वर्टर है ये हमारे दोनों जो प्रोसेसर नाम के साथ, नाम क्या है सर इसका, ये प्रोटोकॉल कन्वर्टर का सर? प्रोटोकॉल कन्वर्टर का नाम प्रोटोकॉल कन्वर्टर ही है ना? ओके बाकी चीजें ओईएम के नाम के साथ, जैसे मान लीजिए वेस्टर्स कंपनी की एआई है तो ये जो मेंटेनेंस पीसी है ना, मेंटेनेंस पीसी, हाँ सर, इसको एक मूवीओला सॉफ्टवेयर चलता है तो इसको हम लोग मूवीओला बोलते हैं, ठीक है ना? वो कमर्शियल ठीक नेम है हो गया बट टेक्निकली वो मेंटेनेंस पीसी ही रहेगा। तो ये जो प्रोटोकॉल कन्वर्टर है, ये प्रोटोकॉल कन्वर्टर कमर्शियल नेम ऐसा कुछ है नहीं। कंपनी किसी भी कंपनी का एआई हो, डाटा लॉगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का ही मैक्सिमम इंडियन रेलवे में इस्तेमाल हो रहा है, इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए हम लोग प्रोटोकॉल कन्वर्टर लगाते हैं, ठीक है ना? इस ओके आर्किटेक्चर सर। में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, टेलीकॉम वाले लोग विशेष ध्यान दे दें, ये जो पीपी है ना, पैनल प्रोसेसर, पैनल हाँ सर, प्रोसेसर कब लगाना पड़ता है? जब हम इसको कंट्रोल कम इंडिकेशन पैनल को इस्तेमाल करने वाले होते हैं तब लगाना पड़ता है, नहीं तो आज की डेट में जो रेलवे बोर्ड की पॉलिसी है वो कहती है कि आप अपना सिस्टम जो है डुअल वीडियो के साथ कमीशन करेंगे, तो जैसे एक वीडियो यहाँ पर दिखाया है हमने सिंगल, वैसे ही एक यहाँ भी दिखा देते, ठीक है ना? लेकिन इसको जानबूझ के रखा गया है ये दिखाने के लिए कि भाई एक व्यवस्था ये भी हो सकती है और दूसरी व्यवस्था ये वीडियो वाले भी हो सकती है, ठीक है ना? अच्छा, अब थोड़ा हम भीतर चलते हैं, है ना? अब थोड़ा एक और देखेंगे तो ज्यादा बेटर आप लोगों को समझ में आएगा, हमारे सिग्नल के लोगों को भी, एसएससीस को भी और टेलीकॉम के लोगों को भी। आपका जो बेसिकली जो सिग्नलिंग के जो फंक्शंस है ना वो डेफिनेटली एआई की, जब हम बात करेंगे कंप्यूटर वाला सिस्टम लग गया तो डेफिनेटली कुछ चीजें इनपुट होंगी, कुछ आउटपुट होंगी, तो ये जो इनपुट आउटपुट फंक्शन है ये कैसे डिसाइड होते हैं ये जानना ज्यादा जरूरी है। और यहाँ बहुत सारी चीजें रटने के बजाय लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ देखेंगे तो समझ में भी आ जाएंगी और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी आपको बहुत ज्यादा आसानी होंगी, है ना? तो बेसिकली ये जो डायग्राम दिखाया है हमने, ये
जस्ट वेट, ये डायग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो हमने एक हिस्से कर रखे हैं, बता दिया कि भाई ये वाला हिस्सा जो है इनपुट बिट्स इंटरफेस रिले का है ना, और ये हमारा सिर्फ इंटरफेस सेक्शन है पूरा, फिर नीचे वाला हिस्सा हमारा आउटपुट इंटरफेस रिलेज है। तो बेसिकली इनपुट फंक्शन क्या है, आउटपुट फंक्शन क्या है, ये जानना जरूरी है ना। तो अब मान लीजिए आपका एक ऑपरेटिंग पैनल, आपका स्टेशन मास्टर के रूम में आप खड़े हो गए, वहां पे वीडियो लगा है, चाहे ऑपरेटिंग पैनल लगा हुआ है, तो किसी भी सिस्टम को काम करने के पहले कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। वो इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो सारी के सारी लॉजिकली हमारी इनपुट होनी चाहिए, इनपुट बिट कहना चाहिए, चाहे इनपुट फंक्शन कह लीजिए। अब आप सोचिए कि हमारे इनपुट फंक्शन क्या हो सकते हैं, अगर कभी भी मुझे कोई सिग्नल देना हो तो मुझे ये तो पता होना ही चाहिए ना कि मेरे पास कौन कौन से ट्रैक, मेरे सारे पिकअप है कि नहीं पिकअप है, पॉइंट की कंडीशन कौन सी है, सिग्नल एस्पेक्ट अभी कौन सा है, मेरा जो गेट है वो लॉक है कि नहीं है, पैंग हैंडल मेरा इन है या नहीं है, है ना। तो ये जो चीजें जो मैं बता रहा हूँ, इन चीजों से जुड़े हुए सारे के सारे आपके जो बिट्स रहेंगे वो इनपुट बिट कहलाएंगे, और ये सारे फंक्शन आपके इनपुट फंक्शन कहलाएंगे, ठीक है। वो क्या हो सकते हैं, वो आपके सारे ट्रैकों के TPR या एक्सल काउंटर है तो उनका VR, आपके जो सारे क्रैंक हैंडल होते हैं उनके कंट्रोल, स्लॉट वाले कंट्रोल, ये आपके इनपुट में आ रहे हैं। आपके जो सारे स्विचेस और बटन्स है ना, ये भी इनपुट में आ रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा इनपुट को हम आगे जाके और कैटेगराइज करेंगे कि वाइटल क्या है, नॉन वाइटल क्या है। और फिर आपका ये जो पॉइंट है, मेरा पॉइंट नॉर्मल में पड़ा है कि रिवर्स में पड़ा है ना, ये NWQR RWQR, ये भी मेरा इनपुट फंक्शन कहलाएगा। ऐसे ही सिग्नल के मेरे सारे एस्पेक्ट जो अभी पैनल पे आपको दिख रहे होंगे, RECR, HECR, DCR जो भी हैं, ये सब आपके इनपुट फंक्शंस कहे जाएंगे। तो इसमें इसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई फला फला ऑप्शन में आपको क्वेश्चन आ गया कि ये चीज को AI में क्या कहलाएगा, इनपुट फंक्शन कहलाएगा या इनपुट बिट कहलाएगी, तो आपको लॉजिकली वो दिमाग में आ जाना चाहिए ऑप्शन कि हाँ यार ये तो इनपुट ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो मैं आपको बताऊं ना, ये TPR हो गया, ये CHPR मतलब क्रैंक हैंडल के कंट्रोल, स्लॉट के कंट्रोल, गेट का कंट्रोल, पॉइंट का कंट्रोल और ये सिग्नल के एस्पेक्ट, इन सभी को हम लोग वाइटल इनपुट फंक्शन बोलते हैं। वाइटल इनपुट फंक्शन, दिस कैन कम एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आल्सो फॉर टेलीकॉम पीपल स्पेशली। अब आपके जो पैनल के बटन और की कंट्रोल्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे नॉन वाइटल इनपुट फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। नॉन वाइटल इनपुट सिंपल दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई जो सारे मेरे पैनल बटन नॉब और की कंट्रोल रहेंगे या कुछ और जो वीडियो की कमांड रहेंगे वो सब नॉन वाइटल इनपुट फंक्शन कहे जाएंगे, ठीक है ना। अब इन्हीं के जरिए हम लोग इनपुट की बिट बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये इनपुट बिट हो जाएंगी, ये जो आपको ऊपर दिख रहे हैं सारे के सारे, इन्हीं से हम लोग इनपुट बिट बनाते हैं और वो हमारे इंटरफेस पे पड़ी रहती है। इंटरफेस क्या होता है मैं समझाऊंगा अभी। इंटरफेस बेसिकली एक AI सिस्टम में जो सारे के सारे कार्ड रहते हैं ना, जिसको आप लोग सामने से देख रहे होते हैं, उस पर कुछ इंडिकेशन आपको दिख रहे होते हैं, रिले रूम में लगा रहता है, उन सभी को अभी हम एज ए होल इंटरफेस बोलेंगे, ठीक है। तो इस इंटरफेस में सब वही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ही होते हैं, PCB होती है सामने, उसके फ्रंट प्लेट लगी रहती है, इंडिकेशन देते हैं। तो ये इंटरफेस आपका बेसिकली इनपुट PCB, आउटपुट PCB और आपका जो पैनल प्रोसेसर कह लीजिए या फिर प्रोसेसर PCB कह लीजिए वो रहेगा। तो इनपुट PCB आपका समझ में आ गया, इनपुट बिट भी समझ में आ गया, और इनपुट वाले फंक्शन कौन से रहेंगे ये भी समझ में आ गया। अब आउटपुट क्या होंगे, तो आउटपुट डेफिनेटली वही होगा जिससे मेरे सिग्नल कंट्रोल होते हो या जिससे मेरा स्लॉट कंट्रोल होता हो, है ना। मैंने अगर कोई बटन दबाई तो वो बटन दबाने के बाद उस बटन से होने वाले फंक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें मेरा AI पहले पता करता है, और जब पता कर लेता है कि हाँ सब सही है तब वो कमांड जारी करता है कि चलो भाई ये सिग्नल फला नंबर जल जाओ, पॉइंट फला नंबर ऑपरेट हो जाओ, है ना। तो ये जो कमांड जाती है ये बेसिकली आउटपुट कमांड जा रही है। तो ये जो कमांड जाती है किसको जाती है, ये हमारे जो रिले रूम में जो कंट्रोलिंग रिले है ना, बेसिकली उस कंट्रोलिंग रिले को पावर जाती है, पावर सप्लाई जाती है। वो मेरी रिले पिकअप होगी तो ऑटोमेटिकली वो पावर सप्लाई, चाहे AC वाली हो या DC वाली हो, वो मेरे साइड पर जो गियर लगा है वहां तक पहुंच जाएगा। ये रहेगा मेरा आउटपुट बिट या कह लीजिए आउटपुट इंटरफेस रिले, जो आपको नीचे के साइड में दिख रही होंगी, जिनसे हमारे ये गियर ऑपरेट होते हैं। ये एरो आपको दिख रहे हैं ना, पॉइंट, सिग्नल, LC गेट, क्रैंक हैंडल, स्लॉट, है ना। तो ये जैसे HR कब मेरा पिकअप होता है, जब मैं सिग्नल की कमांड देता हूँ सिग्नल को ऑपरेट होने के लिए, और सर्किट के सारे सिक्वेंस पूरे जब हो जाते हैं तब मेरी फाइनल HR पिकअप होती है। तो ये हमारी फाइनल रिलेज होंगी जो फील्ड गियर को ऑपरेट करती है, वो सारे के सारे आउटपुट फंक्शंस कहे जाएंगे।
और इसमें हम वाइटल किसको कहेंगे और नॉन वाइटल किसको कहेंगे, तो आपके जो सारे सिग्नल कंट्रोल, पॉइंट कंट्रोल, स्लॉट कंट्रोल है, इन सभी को हम लोग वाइटल आउटपुट फंक्शन कहेंगे। और नॉन वाइटल क्या होगा, नॉन वाइटल आपके वो सारे जो पैनल पे इंडिकेशन और कमांड आते हैं, या फिर अलार्म जो बजता है, या जो काउंटर जो बढ़ते हैं, ये काउंटर्स वगैरह, ये सब के सब नॉन वाइटल आउटपुट फंक्शन माने जाएंगे। और इनसे बनने वाली बिट, इनसे जुड़ने वाली बिट, या वो बिट जो इनको ऑपरेट कराती हैं, वो सारे के सारे बिट आपकी आउटपुट बिट कही जाएंगी। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास समय कम रहेगा। अच्छा देखिए, एक यहाँ पे एक सिंपल सा एक डायग्राम आपको दिखाया है मैंने। इस डायग्राम के जरिए हम समझेंगे कि बेसिकली एआई कहाँ है, एआई का रोल कहाँ तक है। तो इससे ये एक हमारा जो पहले की आरआरआई होती थी, तो उसका एक इंडिकेशन यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। अच्छा, आप लोगों को ये मेरा कर्सर दिख रहा है क्या, जो मैं घुमा रहा हूँ, है ना? हाँ ओके फाइन। तब से जी, हम अब हम यहाँ पे रिले सीक्वेंस में बात करेंगे, है ना। टेलीकॉम के लोग विशेषकर फोकस करेंगे, सिग्नल वाले हमारे सभी भाई समझ जाएंगे बहुत आसानी से। बहुत सिंपल सी चीज है ये, ब्रिटिश इंटरलॉकिंग सिस्टम के थ्रू एक दिखाया गया है कि पुराने वाले आरआरआई में आपका क्या होता था। स्टेशन मास्टर जब भी सिग्नल बटन और रूट बटन दबाता है यहाँ पे, तो सबसे पहले बटन रिले पिकअप होती है। सिग्नल बटन की रिले पिकअप हो गई, रूट बटन की रिले पिकअप हो गई, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या होता है, अपना जीएनसीआर यूएनसीआर डाउन होता है। इसके बाद ये एनआरआर, ये सदर्न रेलवे में चलता है, हमारे यहाँ नहीं चलता। एनआरआर एनएनआर डाउन, एनएनआर एनआरआर अप होता है, जो गियर को, मतलब ये हमारा जो फंक्शन को ड्राइव करने जा रहा है अभी, और ये एनएनआर डाउन होगा। फिर ये हमारा जो कंसर्न पॉइंट रूट में पढ़ने वाले होते हैं, कभी जैसे मास्टर ने उसके बटन दबाई है तो ठीक है, नहीं तो कई बार ऑटोमेटिक रूट सेटिंग होता है तो भी डब्ल्यू एनआर अपना हम करते हैं यहाँ पे। तो एक तरह से ये बटन दिखाया हुआ है कि डब्ल्यू एनआर अप हो गया, पॉइंट नॉर्मल में ऑपरेट होने जा रहा है ना ये। और जब हमारा ये पॉइंट चल जाएगा, तो हमारा पॉइंट का डब्ल्यू के आर पिकअप हो जाता है, फाइनल इंडिकेशन हमारे पास आ जाता है। फिर यूसीआर पिकअप, क्योंकि रूट चेकिंग जब होती है तो उसमें देखना पड़ता है कि मेरे सारे पॉइंट रिक्वायर्ड डायरेक्शन में सेट हो गए कि नहीं, तो यूसीआर पिकअप हो गई। फिर ये एएलएसआर डाउन हो गया, एएलएसआर को हम अपने वेस्टर्न वर्ल्ड में एएसआर भी कहते हैं, है ना। एएसआर हमारा डाउन हो गया, फिर ये डब्ल्यूएलआर पिकअप हो गया। फिर जब ये सारे कंडीशन प्रूव हो गए, तो हमको ये भी देखना पड़ता है कि हमारे उस रूट में पढ़ने वाले सारे ट्रैक पिकअप है कि नहीं, तो वो सारे टीपीआर हमारे पिकअप हो गए। जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तब हमारा एचआर अप हो जाता है, उस सिग्नल का एचआर जिस सिग्नल को आपने ऑपरेट किया है जलने के लिए। जैसे ही उसका एचआर अप होता है, तुरंत उसका जो रेड एस्पेक्ट वो डाउन हो जाएगा, तो डेफिनेटली उसका जो पैनल पर रेड वाला इंडिकेशन है वो भी डाउन हो जाएगा। फिर तुरंत हमारा अब रेड वाला गया, तो डेफिनेटली येलो या ग्रीन जिसमें भी आपका एस्पेक्ट आना हो वो जल जाएगा, जिस याद जल जाएगा, और उसका करस्पॉन्डिंग इंडिकेशन आ जाएगा। पुराने वाले जो सिस्टम था जिसकी हम बात करेंगे, जो कन्वेंशनल सिस्टम, उसमें हमारा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन लगभग लगभग यही होता था। अब इसमें एआई क्या हुआ, इंटरलॉकिंग को कौन से हिस्से को, या वायरिंग डायग्राम के कौन से हिस्से को आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, प्रोग्रामिंग कर ली किसकी, वो हम देखेंगे यहाँ पर। इसमें देखिए, इसमें आपका ये जो रेड कलर से मैंने ये जो दिखाया हुआ है डॉटेड डॉटेड, ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन, दिस पोर्शन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ बुलियन प्रोग्राम, एंड दैट बुलियन प्रोग्राम हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके जरिए एक प्रोग्राम बनाया और हमने उसको अपने माइक्रो प्रोसेसर में स्टोर कर लिया। ये देखिए, यहाँ पे सिंगल बटन रूट बटन प्रेस हुई, फिर ये हमारा ये सिंगल बटन और रूट बटन है ना, ये नॉन वाइटल इनपुट हुए। फिर हमारे वो कंसर्न रिले जो अप होती थी, ये देखिए रिले हमने दिखाया पुराना वाला सिस्टम का, कन्वेंशनल का, बेसिकली ये रिले फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करेंगी क्योंकि ये प्रोग्राम में कन्वर्ट हो चुकी है। फिर हमारा ये जो पॉइंट ऑपरेट हो गया था, पॉइंट अपना जैसे हमारे वेस्टर्न रिले में ये डब्ल्यू एन आर डब्ल्यू आर आर की जगह एन डब्ल्यू आर आर डब्ल्यू आर रहेगा, तो वह आपका वाइटल आउटपुट रिले होती है, वो जब तक ऑपरेट नहीं होगी तब तक पॉइंट साइड पर ऑपरेट नहीं होगा, तो ये हमारा वाइटल आउटपुट हो जाएगा डेफिनेटली। फिर ये जब अप होगी, तो हमारा इसका पॉइंट का इंडिकेशन भी आ जाएगा, है ना। पॉइंट के इंडिकेशन हम लोग क्या बनाते हैं, वाइटल इनपुट बनाते हैं। फिर ये हमारे ये जो रिले थी सिक्वेंस में जो ऑपरेट होती थी, ये प्रोग्राम फॉर्म में है, और ये इनके होने के बाद हमारा एचआर अप होती थी। एचआर अप होना, एचआर वीआईपी रिले, भाई यही तो हमारे आउटपुट को ड्राइव करेगी, इसलिए हम लोग इसको वाइटल आउटपुट बोलते हैं। जब ये बिट ऑपरेट हो जाएगी,
इसकी एनालिटिक एप्लीकेशन आपके एआई में जो भी कंसर्न कार्ड रहेगा वहां पर जल जाएगा, तो वहां से ये बिट ऑपरेट जैसे ऑपरेट होगी यहाँ से वोल्टेज निकलेगा, वो वोल्टेज जाके मेरे साइट पे सिग्नल को जला के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो सिक्वेंस हमने इसको जो ड्रॉ करके जो घेरा हुआ है बेसिकली ये वाला हिस्सा है जो हमने प्रोग्रामिंग करके छोड़ दिया है, और वो हमारा एआई बेसिकली वही है। बाकी के जो रिलेज है वो एक तरह की वाइटल रिलेज है, मिनिमम बेयर मिनिमम रिलेज है जो हमको एक्चुअली में चाहिए होती है, जिनको हम प्रोग्राम नहीं कर सकते, जो एक्चुअल में चाहिए साइट पे गियर को ऑपरेट करने के लिए या फिर साइट के इंडिकेशंस को होल्ड करने के लिए। एनी डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को थोड़ा सा उस तरीके से बताया है यहाँ पे। यहाँ पे आप बेसिकली देखेंगे हम इंटरेक्शन जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के जो मुख्य तीन जो पार्ट हैं, फिजिकल इंटरफेस, एग्जीक्यूटिव वाला हिस्सा और एप्लीकेशन प्रोग्राम वाला हिस्सा, उनके बीच में इंटरेक्शन किस तरीके का होता है वो एक यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है आप देखिए, ग्रीन वाला हिस्सा एप्लीकेशन है, राइट। दिस इज द पर्टिकुलर क्या कहते हैं, एक स्टेशन पे जो हमारा एप्लीकेशन डायग्राम रहता है, स्टेशन स्पेसिफिक होता है। इसके बाद ये जो ऑरेंज वाला है ये एग्जीक्यूटिव वाला है ना, आपका साइट से आने वाला इन्फॉर्मेशन है, उसको मैं प्रोसेस किस तरीके से करूंगा, मेरे वाइटल्स इनपुट की मैं चेकिंग कैसे करूंगा और लॉजिक को कैसे एग्जीक्यूट कराऊंगा, वो एग्जीक्यूटिव हिस्से से दिखाया हुआ है। और इसके बाहर जो रेड वाला हिस्सा जो सबसे बड़ा वाला रेक्टेंगल है, वो आपके एग्जिस्टिंग जो इनपुट आउटपुट कार्ड के जो हार्डवेयर मेरे एआई वाले हैं उनके साथ फिजिकल इंटरफेसिंग कैसी होगी उसके बारे में ये दिखाता है। तो अभी आप सिर्फ ये जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है और उसी के पैरेलल में फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, सिर्फ उसको देखिए। आपके फील्ड से आने वाला इनपुट सीपीयू के पास पहुंचता है इनपुट के फॉर्म में, उस इनपुट को हमारा एप्लीकेशन लॉजिक बिल्कुल चेक करता है, चेक करने के बाद अगर उसमें हार्डवेयर रिडंडेंसी, सॉफ्टवेयर रिडंडेंसी जिस भी तरह की हो, दोनों में प्रोसेस करने के बाद हर बार आउटपुट अगर कॉमन मिलता है तो मान लेता है कि ये कन्फर्म्ड है। कन्फर्म्ड हो गया तो रिजल्ट की तरह से वो लॉक कर देता है कि हाँ अब ये काम करना ही है। वो कंफर्म होना मतलब बिट का पिकअप हो जाना, बिट का पिकअप हो जाना मतलब आउटपुट जाएगा सीपीयू से, और वो आउटपुट जाएगा मतलब हमारा वोल्टेज उठ के जाएगा फील्ड के गियर को ऑपरेट कराने के लिए। तो बेसिकली ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है और ये आपका फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। ये इंटरफेसिंग कैसी रहेगी, या भैया RS-232 या फिर जो भी कम्युनिकेशन का मीडिया होगा उसके थ्रू हमारा हार्डवेयर को हम अटैच कर लेंगे रिले जैक से लेके लाके यहाँ पे फिजिकल वायरिंग करके, हम एआई वाला जो पीछे का हिस्सा होता है वहां पे उसकी वायरिंग पहुंचती है टैग ब्लॉक्स के थ्रू होते हुए, फिर ये सीरियल मैसेज के फॉर्म में जनरेट होके जाएगा। ये वाइटल बिट जो आपका वाइटल इनपुट बिट जो आपकी आ रही मैसेज फॉर्म में, वो हमारे एप्लीकेशन के पास जाती है, एप्लीकेशन हमारे एसटीएलटी के बेसिस पे जो लॉजिक हमने बना के रखा है उसके बेसिस पे उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर वही बिट निकल के जाती है और कमांड करती है। अच्छा, अब आते हैं एआई के एक क्लासिफिकेशन वाले पार्ट पे, कि बेसिकली एआई को क्लासिफाई करने के दो तीन अपने पास एक बेसिस है। एक बेसिस है हमारा आर्किटेक्चर का बेसिस, बेसिकली उसका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, उनके बेसिस पे हम रिडंडेंसी किस तरह की रख रहे हैं उसके आधार पर एआई होती है। तो ये वन आउट ऑफ वन वाला एक हो सकता है, सिंगल हार्डवेयर हो और सॉफ्टवेयर आपने डाइवर्स कर रखा हो। एक एआई हो सकती है कि मेरा हार्डवेयर भी डबल हो और उन हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर की रिडंडेंसी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। फिर एक मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम वाला है जिसमें दो से ज्यादा एआई होती है। अब उसमें क्या होता है कि आपने कोई भी कमांड दी वो पैरेलली जाएगा, तीनों हार्डवेयर में प्रोसेस होगा और तीनों में से अगर किसी ने भी दो में आउटपुट कंफर्मेशन का हो गया और एक कुछ उल्टा आउटपुट दे रहा है तो कोई बात नहीं, मेजॉरिटी के साथ हम जाएंगे और मेजॉरिटी वाला जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसी के बेसिस पे मेरा गियर ऑपरेट हो जाएगा। तो इसको सिंगल सिंगल हम स्टडी करते हैं। ये सिंगल हार्डवेयर को हमने दिखाया डाइवर्स सॉफ्टवेयर के साथ में। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ये वीडियो कहिए चाहे CCIP कहिए, ये स्टेशन मास्टर के पास जो है वो वहां से कमांड देता है। तो जो भी कमांड वो देता है वो हमारा सिंगल हार्डवेयर के पास पहुंचा है। सिंगल हार्डवेयर में जो हमारा प्रोग्राम स्टोर्ड है वो प्रोग्राम दो सॉफ्टवेयर के माध्यम से, यहाँ पे सॉफ्टवेयर की डाइवर्सिटी हमने दिखाई हुई थी पहले वाले टाइप के बेसिस में हम बात करिए। पहला टाइप हमने जो बताया था आपको सिंगल हार्डवेयर विद सॉफ्टवेयर डाइवर्सिटी, जिसको हम वन आउट ऑफ वन के नाम से भी जानते हैं, उसका डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हार्डवेयर मेरा एक ही है लेकिन दो सॉफ्टवेयर के थ्रू उसका कैलकुलेशन होता है, कमांड का प्रोसेसिंग होती है
और जब दोनों आउटपुट मेरे सेम होंगे, यहाँ पर देखिए जो लॉजिक एंड गेट दिखा रहा है, तभी हमारा आउटपुट डिलीवर होगा, राइट, कंपैरिजन के बाद, ओनली अप व्हेन डाइवर्स आउटपुट इज मैचिंग। फिर ये हमारा सेकेंड टाइप है जिसमें हमारे पास हार्डवेयर दो रहेंगे लेकिन सॉफ्टवेयर हमारे ऊपर रहेगा कि हम उसको डाइवर्स करें या ना करें। अच्छा, ये जो मैं पहले वाला आपको दिखा रहा था ना, सिंगल हार्डवेयर विद डाइवर्स सॉफ्टवेयर, ये आज की डेट में हमारे पास कहीं भी यूज नहीं होता। ये जिसके पास बहुत पुराना इंस्टॉलेशन होगा ना, अनसाल्डो का जो माइक्रोलॉक 2 USNS आता था और वेस्टर्स वाला पुराना वाला, ये उसी में होगा तो होगा, अदरवाइज आज की डेट में ये यूज में नहीं है। फिर ये देखिए डुअल हार्डवेयर के साथ हम बता रहे हैं, यहाँ पे हार्डवेयर की रिडंडेंसी है, इसको आप 2 out of 2 सिस्टम बोल सकते हैं, है ना, ये प्रोसेसर 1 रहेगा, ये प्रोसेसर 2 रहेगा, यानी सिस्टम ए सिस्टम बी दोनों को इनपुट एक साथ पैरेलल जाया करेंगे, फिर उनके बीच में कंपैरिजन हुआ करेगा, आउटपुट कॉमन होगा, तो हम एक तरह से फेल सेफ आउटपुट यहाँ से मिलता है हमें, और उस फेल सेफ आउटपुट के आने के बाद ही हमारा सेट का गियर ड्राइव होगा। तो ये सिस्टम 2 out of 2 रहेगा, 2 out of 2 सिस्टम आजकल हमारे पास, ये क्योसन की जो EI है ना, 2 out of 2 है, मेधा का भी जो EI आता है अपना वो MEI 633, वो भी हमारा 2 out of 2 पे ही है। और ये मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम, इस तरह का EI अभी इंडियन रेलवे में कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बट सिंस इट इज अ टाइप दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट। तो यहाँ पे जैसे ये मेरा EI सिस्टम ए समझिए, ये सिस्टम बी समझिए, आपके साथ सिस्टम सी भी हो सकता है या 3-4 सिस्टम जितने भी लगा सकते हैं लग गया, सभी को एक ही तरह से इनपुट जाएंगे, कॉमन इनपुट्स, जो भी कमांड देंगे उसी के बेसिस पे, और सारे इनपुट से प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट निकलेगा उन आउटपुट्स को मैच कराया जाएगा। तो सबसे ज्यादा आउटपुट जो माना जाएगा, सपोज करें कि 4 सिस्टम है, 4 में से 3 ने अगर सेम आउटपुट दिया है तो वो मान लेंगे भाई मेजोरिटी वोट है, इसी के बेसिस पर काम करना है। तो ये इसीलिए इसको मेजोरिटी वोटिंग सिस्टम बोला जाता है, और टेक्निकल नाम इसका है ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंसी। इस तरह का सिस्टम यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास ये सिमिल्स वाले हैं, सिमिल्स W ये बनाते हैं, अल्काटेल भी एक फॉर्म है वो भी यही बनाती है, उसका हमारे इंडियन रेलवे में कहीं भी लगा हुआ नहीं है, और सिमेंस का शिकास करके एक सिस्टम आता है वो भी ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंसी है। ये जो नाम मैं बोल रहा हूँ आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आने की कोई संभावना नहीं है। अच्छा, अभी ये जो हम दिखा रहे हैं ये सेंट्रलाइज इंस्टॉलेशन और इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड इंस्टॉलेशन होता है, बेसिकली ये टाइप ऑफ EI नहीं या फिर कैटेगराइजेशन EI का नहीं है, बट इंस्टॉलेशन का जो नेचर है उसके बेसिस पे भी EI 2 टाइप की हो सकती है, सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड EI हमने दिखाने की कोशिश की है, जहाँ पे आपका एक जो एक सेंट्रल यूनिट रहेगी, वो सेंट्रल यूनिट आपके जैसे नॉर्थ केबिन साउथ केबिन हुआ करती थी, वैसे 2 ऑब्जेक्ट कंट्रोलर हो गए, उनके साथ लिंक रहेगी OFC के थ्रू से, और EI रूम जो हमारा जो मेन EI रूम रहेगा वहाँ पे CIU है वो रहेगा, जो मास्टर के पास रहेगा वहां से अपना सारा काम होगा। तो ये सेंट्रलाइज इंस्टॉलेशन है। डिस्ट्रीब्यूटेड इंस्टॉलेशन हमें कहाँ करना पड़ता है, जहाँ का यार्ड बहुत कॉम्प्लेक्स हो, बहुत बड़ा हो, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, आपको 3 से 4 OC लगानी पड़ सकती है, ये वहां का एक दिखाया हुआ है कि भाई ये सेंट्रल यूनिट ये रहेगी, एक OC वहां भी लगी हुई है, एक और एंड है वहां पे भी एक OC लगी है, दूसरे एंड पे भी OC लगी है, और ये सभी आपस में OFC के थ्रू रिडंडेंट चैनल्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। देखिए 2-2 चैनल लगे हुए हैं यहाँ पे भी, है ना, और यहाँ से भी ये जो OC है इसके भी देखिए 2-2 चैनल से कम्युनिकेशन चल रहा है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड इंस्टॉलेशन है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न है समझने का वो है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो हमारा पर्पस क्या रहता है, आज की डेट में ये कंपलसरी कर दिया गया है कि आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम डुप्लीकेट होना ही चाहिए, खर्चे की चिंता मत करिए। क्यों? क्योंकि हमारा पर्पस ये कि भाई गाड़ी पिटनी नहीं चाहिए, अनइंटरेक्टेड सिग्नल ऑपरेशन होता रहना चाहिए, तो इसलिए हमारे पास इस तरह के अरेंजमेंट हमने स्टैंड बाई वाले करे हैं। अब जब बात स्टैंड बाई की आती है तो स्टैंड बाई कई तरीके से किया जा सकता है, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। अब हम लोग यहाँ पे 1 by 1 समझेंगे कि हॉट स्टैंड बाई क्या होता है, वार्म स्टैंड बाई क्या होता है और कोल्ड स्टैंड बाई क्या होता है। तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम हॉट स्टैंड बाई। हॉट स्टैंड बाई में भी 2 सिस्टम रहेंगे, डेफिनेटली स्टैंड बाई है तो हर जगह 2 सिस्टम रहेंगे ही रहेंगे, और ये जो दोनों के दोनों सिस्टम रहेंगे आपको उन दोनों को लगातार सारे इनपुट आते रहेंगे आपके उस स्टेशन के, जितने भी गियर्स और जितने भी आपके वाइटल इनपुट्स हैं
वो सब दोनों सिस्टम्स के साथ वायर्ड रहेंगे और वो दोनों सिस्टम इंडिपेंडेंटली इनको रीड करते रहेंगे, लेकिन इन दोनों सिस्टम्स में सिर्फ एक सिस्टम ऐसा होगा जो ऑनलाइन होगा, दूसरा वाला ऑनलाइन नहीं रहता। तो जो ऑनलाइन सिस्टम रहेगा, अथॉरिटी उसी के पास रहेगी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने की और आउटपुट का डाटा भेजने की। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो एप्लीकेशन का जो आउटपुट डाटा रहेगा, वो आउटपुट डाटा एक बार आपने गियर ड्राइव कर लिया ना, तो उसका जो रीडबैक है ना, वो रीडबैक भी दोनों के पास आएगा, सिस्टम ए के पास भी, सिस्टम बी के पास भी। तो यहाँ पे ये जो दो मैंने रेड करके रखा है ना, रीड बाय बोथ एंड सिंक्रोनाइज, दीज टू वर्ड शुड नॉट बी फॉरगॉटन। और स्टैंड बाय का पर्पज सिर्फ और सिर्फ यही है कि दो पैरेलल सिस्टम है, दोनों के इनपुट आते रहेंगे, जो ऑनलाइन सिस्टम है वो मेरा एग्जीक्यूशन करेगा एप्लीकेशन लॉजिक का, लेकिन आउटपुट जो डाटा है वो हमारा दोनों सिस्टम के साथ लगातार इंटरवल्स में सिंक्रोनाइज होता रहेगा, और ऑनलाइन सिस्टम ही खाली हमारा आउटपुट को ड्राइव करेगा। दिस इज हॉट स्टैंड बाई। वार्म स्टैंड बाई क्या होता है? वार्म स्टैंड बाई में एक सिस्टम का पावर ऑन रहेगा और दूसरे का नहीं, दूसरा वाला ऑफ रहेगा। इन दोनों के बीच में हम लोग एक एक्सटर्नल ऑटो चेंजओवर सर्किट लगा देते हैं, एक ऑटो चेंजओवर लगा देते हैं। इनपुट के वायर तो हमारी, जो हमारी पूरी की पूरी इनपुट है, वो दोनों के साथ फिजिकल वायरिंग रहती ही रहती है, क्योंकि डेफिनेटली जब दूसरे सिस्टम को पावर ऑन करेंगे तो फ्रेश वायरिंग तो कोई करने जाएगा नहीं। तो बस यही है फंडा वार्म स्टैंड बाई में, कि एक बार में एक सिस्टम पावर्ड ऑन रहेगा लेकिन दूसरे सिस्टम को हमारा इनपुट मिलता रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन के लिंक न होने की है। आपका अगर सिस्टम ए बंद हो गया, सपोज करिए कि आपका एक स्टेशन है छोटा सा, दो लाइनों पर गाड़ी आके खड़ी है, और फिर मेरा पावर, ये क्या कहते हैं, एक मेरा सिस्टम फेल हो गया। अब क्या होगा? अब मेरा जो दूसरा सिस्टम जिसको हम लोड पे लेंगे या जो आएगा अभी डील करने के लिए, उसके साथ कोई तरह के सिंक्रोनाइजेशन लिंक नहीं है। इससे जब वो स्टार्टअप, जब वो स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होने के बाद फिर से पूरे डाटा को इनपुट में लेगा, है ना। वो जो दो गाड़ियां आपकी ऑक्यूपाई करके खड़ी हैं, उनका अपडेट क्या है, उनके ट्रैक ऑक्यूपाइड है नहीं है, सिग्नल कार स्पीड क्या है, एक बार फिर से सारे सिस्टम को, एक बार सारे पेरिफेरल्स को चेक करेगा, उसके बाद ही रेडी होगा काम करने के लिए। इसमें टाइम लग जाता है, टाइम लग जाता है, बूटिंग के सब चक्कर में जो तकलीफ हो जाती है, और बहुत सारी गाड़ियां पिट जाती हैं। इसलिए वार्म स्टैंड बाई आज के डेट में रिकमेंडेड नहीं है, पुराना वाला जहां होगा होगा। तो ये रहा वार्म स्टैंड बाई। हॉट स्टैंड बाई, वार्म स्टैंड बाई में फर्क सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन के लिंक का है। कोल्ड स्टैंड बाई क्या है? कोल्ड स्टैंड बाई में भी डेफिनेटली एक ही सिस्टम मेरा पावर ऑन रहेगा और किसी भी तरह के ऑटो चेंजओवर फैसिलिटी नहीं रहेगी। और जब भी हमारा क्या कहते हैं दूसरा सिस्टम पे जब काम करना होगा ना, तो चूंकि ऑटो चेंजओवर सिस्टम तो लगा ही नहीं है, तो हमारे भैया एसआई को चाहे दूसरे स्टेशन पे हो या हेडक्वार्टर में, वहां से निकल कर उस स्टेशन पर आना पड़ेगा और अपने दूसरे सिस्टम को ऑन करना पड़ेगा, और फिर जो उनका मेन सिस्टम फेल हुआ उसका फेलियर अटेंड करें। तो ये कोल्ड स्टैंड बाई है, ये भी कहीं भी यूज में यूज करने के लिए रिकमेंडेड नहीं है, अनलेस इट इज अनअवॉइडेबल। अब यहाँ पे वो सिंगल हार्डवेयर को डाइवर्सिफाइड सॉफ्टवेयर के साथ हमने दिखाया है कि भाई विदाउट एनी स्टैंड बाई सिस्टम मेरा कैसे काम करता है। तो आप ये देखें कि एक कंट्रोल कम्युनिकेशन पैनल है, एक ही एआई है और उससे फील्ड लीगल चल रहे हैं, सिंगल प्रोसेसर है, एक एआई मतलब सिंगल प्रोसेसर विदाउट एनी स्टैंड बाई। यहाँ पर क्या है? हॉट स्टैंड बाई है लेकिन प्रोसेसर एक ही है ना। ये दो एआई हैं, एक ही सिंगल प्रोसेसर रहेगा, तो आउटपुट डेफिनेटली आप देखें दोनों साथ यहां पे आ रहे हैं। और हॉट स्टैंड बाई है मतलब ये सिंक्रोनाइजेशन के लिंक, ये आप देख रहे हैं एरो, एआई वन एआई टू कनेक्टेड है, मतलब ये सिंक्रोनाइज हैं और इसीलिए इनको हॉट स्टैंड बाई माना जाएगा। ये टू आउट ऑफ टू आर्किटेक्चर विदाउट एनी स्टैंड बाई। ये हमारा देखें सीपीयू वन सीपीयू टू, टू आउट ऑफ टू स्ट्रक्चर है विदाउट स्टैंड बाई। ये वार्म स्टैंड बाई, वार्म स्टैंड बाई क्यों है? क्योंकि इनके बीच में किसी भी तरह के सिंक्रोनाइजेशन के लिंक नहीं है। आप देखिए यहां पर टू आउट ऑफ टू क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए ये एक ईआई है, उस ईआई में एक सीपीयू दूसरा सीपीयू, ये ईआई नंबर टू उसमें एक सीपीयू दूसरा सीपीयू। आप जरा पीछे आइए, ये दिखाना आपको मैं भूल गया, यहां वाले पे ये है ना सिंगल प्रोसेसर विद हॉट स्टैंड बाई। तो दो सिस्टम तो है, एआई वन एआई टू है, लेकिन प्रोसेसर एक इस एआई में एक ही है, दो तो सीपीयू नहीं है, इसीलिए सिंगल प्रोसेसर यहाँ पर लिखा हुआ था। फिर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर टू आउट ऑफ टू स्ट्रक्चर है, मतलब इन टोटल, सॉरी
अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक ही AI है, AI 1 इसको समझिए, क्योंकि एक AI में हमने दो CPU लगा दिए, तो सिस्टम तो मेरा 2 out of 2 आर्किटेक्चर का हो गया, लेकिन स्टैंड बाई नहीं है। यहाँ पर देखिए स्टैंड बाई है, वार्म है, लेकिन है ना हार्ड नहीं है। हार्ड क्यों नहीं कहा जाएगा इसको, क्योंकि इनके बीच में किसी भी तरह का सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा। कंट्रोल पैनल से कमांड, यहाँ पे कमांड आती है पैनल प्रोसेसर के थ्रू हमारे सीपीयू के पास, एक सीपीयू के पास ही पहुंचती है, यहाँ से दूसरे सीपीयू के पास भी पहुंचती है। ये दोनों उस लॉजिक प्रोसेसर को जो है अपना लॉजिक प्रोसेसिंग करते हैं, है ना, इनपुट आउटपुट यहाँ पर आता है और फिर रिले हमारी जो है ऑपरेट होती है फील्ड पे। यहाँ पर देखिए ये हमारा हॉट स्टैंड बाई है। हॉट स्टैंड बाई क्यों है, क्योंकि ये बीच में आपको सिंक्रोनाइजेशन की लिंक दिख रही है, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिक आर्किटेक्चर हमने देख लिया हर तरह के सिस्टम्स का। ये देखिए जहां पर ऑब्जेक्ट कंट्रोलर है वहां की बात बताई जा रही है। ऑब्जेक्ट कंट्रोलर क्यों है, क्योंकि स्टेशन बहुत बड़ा है, ऐसे कई हिस्सों को गियर्स का हमने ग्रुपिंग करके अलग अलग ओसीज को बांट दिया, ओसी मतलब ऑब्जेक्ट कंट्रोलर। तो आप ये देखिए कि ये दोनों सिस्टम हमारा AI 1 AI 2 है, इसके बीच में हॉट स्टैंड बाई है, और मेरे जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट कंट्रोलर्स हैं 1 2 3, ये तीनों OC इन दोनों AI के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आप ये देखिए ये लाइन आपकी गई, ये चेन, ये OFC के साथ लिंक दिखाया गया होगा यहाँ पे, ये सारी OC इनसे तो कम्युनिकेशन कर रही है और ये OC इस लिंक के साथ ही कम्युनिकेशन कर रही है। फाइन, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब आइए बात करते हैं हम इंटरफेस डिजाइन की, है ना। किसी भी AI को डिजाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें सबसे पहले उसके इनपुट और आउटपुट का वो एक तरह से एस्टिमेशन करना पड़ता है ना, कि उसमें भाई कितने इनपुट कितने आउटपुट वो अपने बिट बन रहे हैं, बिट कैलकुलेशन करना पड़ता है। बिट कैलकुलेशन करने के लिए हमको देखना पड़ता है कि भाई 3 aspect वाले कितने सिग्नल हैं, 4 aspect वाले कितने सिग्नल हैं, अच्छा पॉइंट कितने हैं, है ना, हर पॉइंट के भाई वो NWKR RWKR ऐसे आपका जो आपके क्या कहते हैं सिग्नलों के जो है ECR है ना, उनका ये इनपुट बिट आउटपुट बिट जब कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग सारे वाइटल इनपुट वाइटल आउटपुट नॉन वाइटल इनपुट नॉन वाइटल आउटपुट इंडिकेशन से लेकर कंट्रोलिंग रिलेज तक सब का काउंट होता है, इन सभी को हम बिट बोलते हैं। तो हम लोग जो सारा का सारा बिट का कैलकुलेशन करते हैं उस बिट के बेसिस पे डिसाइड होता है कि भाई कितने इनपुट कार्ड चाहिए कितने आउटपुट कार्ड चाहिए, और वो जब कार्ड की संख्या हम डिसाइड कर लेते हैं तो कार्ड के बेसिस पे डिसाइड होता है कि भाई हमको वो कितने कार्ड फाइल्स या कितने हाउसिंग्स चाहिए होती हैं। तो ये एस्टिमेशन में बिट कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद हमको वायरिंग डायग्राम प्रिपेयर करने पड़ते हैं, फिर पावर सप्लाई कैसे रखनी है, कम्युनिकेशन का अरेंजमेंट कैसे रहेगा, बैलेंसिंग कैसे करेंगे, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन हमको किस तरह से लेना है, कनेक्टिविटी का डायग्राम क्या होगा, वो सब ये सब आपके इंटरफेस के डिजाइन में ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि भाई उसका प्रोसेस कैसे करेंगे। तो वही जो मैं आपको बता रहा था कि आपको सबसे पहले सारे वाइटल और नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट दोनों तरह के बिट आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये कैलकुलेशन कैसे होगा, ये कैलकुलेशन होगा आपका आपका जो SIP होगा उस पर सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान जो होगा उसके बेसिस से ही आप कैलकुलेट करेंगे। ये FPD क्या है आपका, ये फ्रंट पैनल डायग्राम है आपका, जो पैनल पे हमारा रहता है पैनल के इंडिकेशंस होते हैं ना, इसके माध्यम से हम लोग अपने सारे वो नॉन वाइटल इनपुट और नॉन वाइटल आउटपुट को हम इससे कैलकुलेट करते हैं। जब आपके बिट्स कैलकुलेट हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई आपके इनपुट आउटपुट वाले कार्ड कितने लगेंगे, उसी के बेसिस पे आपके ये सारे ये CPU मतलब आपका पैनल प्रोसेसर या फिर सॉरी वो जो आपका AI का जो प्रोसेसर है उसका डिसीजन यहाँ से आएगा, और उसी के बेसिस पे आपके कार्ड फाइल डिसाइड हो जाएंगे, फिर ये कम्युनिकेशन की बात और सप्लाई की बात। इन सब के बाद आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम हम लोग डिजाइन करवाते हैं, ये एक्चुअली OEM के थ्रू करवाया जाता है। फिर आपका उस स्टेशन पे जो सारे के सारे गियर्स हैं किस किस टाइप की पावर सप्लाई पे किस किस लेवल के वोल्टेजेस से ऑपरेट होने वाले हैं, है ना, उसका लोड कैसे रहेगा, AI को पावर सप्लाई आप कैसे एक्सटेंड करने वाले हैं, वीडियो को सप्लाई कैसे एक्सटेंड करने वाले हैं, है ना, डाटा लॉगर वगैरह उनके अर्थिंग अरेंजमेंट क्या रहेंगे, ये सबका कैलकुलेशन होगा आपका। फिर आपके वो जो रिलेज हैं वो कितने लगेंगे, रैक्स कितने लगेंगे, सिटी रैक्स क्या होंगे, ये सब एस्टिमेशन के स्टेजेस हैं, लेकिन इंटरफेस डायग्राम डिसाइड करने के दौरान इनका भी कैलकुलेशन होता है, क्योंकि कोई भी OEM
OEM आई मीन आपका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, चाहे वो सीमेंस हो, चाहे मैदा हो या क्वेश्चन हो, वो सब ये डिटेल्स स्टेशन की लेते ही लेते हैं। उसके बाद वो लोग सारा वो डिजाइन करवाते हैं। अच्छा ये देखिए, बिट कैलकुलेशन के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया हुआ है मैंने। आप सपोज करिए कि आपका एक चार एस्पेक्ट का सिग्नल है, तो उस चार एस्पेक्ट के सिग्नल के लिए आपको रिले कितनी चाहिए हो सकती है और बिट कितने बन सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि चार एस्पेक्ट का सिग्नल है तो डेफिनेटली क्या होगा उसमें, वाइटल आउटपुट तीन ही होंगे। हम यहाँ पर वाइटल आउटपुट मतलब वो कमांड देने वाली रिले जो मेरे सिग्नल के एस्पेक्ट को जलाएगी, तो वो एक तो HR हो सकती है जो सिंगल येलो जलाएगी, HHR हो सकती है जो डबल येलो का एस्पेक्ट देगी, और फिर DR होगी जो ग्रीन का एस्पेक्ट देगी। तो हर फोर एस्पेक्ट सिग्नल के लिए डेफिनेटली आपके तीन वाइटल आउटपुट हो जाएंगे। तो ये तीन वाइटल आउटपुट बिट पर फोर एस्पेक्ट सिग्नल आपके एक तरह से कैलकुलेशन में आ जाएगा। एक मिनट, आई जस्ट गॉट अ कॉल। हाँ ये सर नमस्कार। सर थोड़ा सा मुझे आप समय दीजिए, मैं आपको 1.5 घंटे में कॉल करूँ, चलेगा? एक क्लास दे रहा था सर, है ना। थैंक यू सर। फाइन। तो अब देखिए वाइटल आउटपुट तो यहाँ पर तीन हो गए, लेकिन जब वाइटल इनपुट की बात करेंगे तो क्या, इनपुट में मैंने जैसा आपको शुरू में बताया था कि सिग्नल के जो सारे एस्पेक्ट हैं वो आपके वाइटल इनपुट माने जाएंगे। तो ये देखिए आपका ये DECR, HHECR, HECR, RECR, ये आपके ECRs हैं, ठीक है ना। और फिर ये DRF, HRF है ना, ये क्या है आपके, ये हमारा, एक मिनट जस्ट वेट। हाँ ये रहा, ये DRF आपका सिग्नल का, देखिए एक होता है हमारा वो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से शायद फ्लैशिंग इंडिकेशन का है मेरे ख्याल से। तो आपको ये इंडिकेशन जब चाहिए होता है तो ये आपका वाइटल इनपुट का शायद काम करेगा। इसके लिए ये DRF, HHRF हर एस्पेक्ट के हिसाब से लिया हुआ है। फिर ये देखिए आपका ये वाइटल इनपुट, हमको रीडबैक चाहिए, सिग्नल जब जल जाएगा तो जलने के बाद हमारे AI को पता चलना चाहिए कि हाँ वो सिग्नल जल चुका है। तो ये F एक्चुअली F ना होकर के, बहुत जगह F लिखते हैं और कुछ एक जगह में वेस्टर्स वगैरह में किसी और चीज से डिनोट करते हैं। तो ये F बेसिकली आपका रीडबैक का है। तो सारे रीडबैक आपके जो है वाइटल इनपुट माने जाते हैं, तो ये रीडबैक का हो गया। तो फोर एस्पेक्ट के एक सिग्नल में आपके वाइटल इनपुट कितने हो जाएंगे, 4, 3, 7। नॉन वाइटल इनपुट क्या है, आपका सिग्नल का बटन, हर बटन का एक आपका इनपुट नॉन वाइटल माना जाएगा, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट का हो। फिर नॉन वाइटल आउटपुट क्या हो सकते हैं, उन सभी के इंडिकेशन, सारे के सारे इंडिकेशन आपके ये जो DG की, HG की है, ये सब आपके नॉन वाइटल आउटपुट माने जाएंगे। अब इसी के बेसिस पे देखिए हमारी रिले कैलकुलेट हो गई है ना। ये आपकी QEC161, ये सारी ECR के लिए चार रिले आपको चाहिए क्योंकि चार एस्पेक्ट का सिग्नल है। और ये QNN1 क्यों, ये QN1 क्यों चाहिए, ये आपके जो वाइटल आउटपुट का रिले जो ड्राइव होगा ना ये DR के थ्रू, उसके लिए हमने ये QN1 वगैरह ले लिए तीन। ये रिले के टाइप है, हमारे टेलीकॉम के भाई लोगों के लिए जानकारी है। QEC161 हमेशा ECR के लिए, और QN1 वगैरह ये आपके DR HR के लिए। ठीक इसी के बेसिस पे तीसरी एस्पेक्ट के सिग्नल पे और टू एस्पेक्ट के सिग्नल का भी है। अब आइए आप इसमें, ये रूट इंडिकेटर्स का भी इसी तरह से है, वो आप समझ सकते हैं आसानी से। आइए इस पर हम चलते हैं, पॉइंट पे आते हैं, है ना। पॉइंट पे क्या होगा, डेफिनेटली हमारा पॉइंट या तो नॉर्मल में होगा या तो रिवर्स में ऑपरेट होना होगा। तो ये दो वाइटल आउटपुट चाहिए हमको, दो बिट ये हो गई, वो पॉइंट मेरा वाइटल इनपुट उसका हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपका NWKR, RWKR हो गया, और फिर आपका ये नॉन वाइटल इनपुट क्या है, ये आपके पॉइंट के बटन है, और फिर आपका ये नॉन वाइटल आउटपुट उस पॉइंट का इंडिकेशन, वो नॉर्मल है रिवर्स में। एक्चुअली देखिए ये टेबल है ना, इस टेबल में बहुत सारी चीजें अभी रह गई हैं। नॉन वाइटल इनपुट सिर्फ इतना ही नहीं होता, और भी होते हैं ना, पॉइंट के लॉकिंग के इंडिकेशन, पॉइंट की फ्लैकिंग के इंडिकेशन, ये सब भी नॉन वाइटल इसमें आते हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं किए गए, लेकिन रिले के कैलकुलेशन के लिए आसानी हो जाएगी आपकी। ऐसे ही आपका क्रैंक हैंडल का है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल दिखाया गया है कि जिससे हम लोग बिट का कैलकुलेशन करते हैं, और किसी भी AI का एस्टिमेट बनाने के लिए बिट कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमको SIP के जरिए आसानी से मिल जाती है, सिंगल इंटरलॉकिंग प्लान के जरिए।
अच्छा देखिए, एआई में एक जो दूसरा आपका जो क्वेश्चन बनता है ना, ये यूजुअली बहुत ही आई मीन बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, हमेशा ही आता रहता है, कई बार वो शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है। यू गाइस जस्ट कंसल्टेड ऑन दिस कि एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है, या एआई के एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर पे एक शॉर्ट नोट लिखे 5 नंबर का। तो बेसिकली आप समझ जाइए कि एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये हर ओएम एक अपना एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर बना के रखती है और ये कॉमन होता है सारे एआई के लिए। अगर वेस्टर्स को किसी भी स्टेशन का कमिशनिंग करना है तो उसका वो एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर सारे स्टेशन के लिए कॉमन रहेगा। एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर हमेशा हमेशा फैक्ट्री लेवल पे इंस्टॉल होके आता है। ये एआई की बेसिकली वर्किंग मोडेलिटी को डिसाइड करता है। इट परफॉर्म्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द एआई सिस्टम। और हमारे जो यूजर होते हैं, रेलवे यूजर यानी हम लोग, हमको इस तक कोई एक्सेस नहीं रहता और ना ही हम इसको किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हर स्टेशन का अलग होता है। आपका एक स्टेशन का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से मैच नहीं कर सकता। तो ये यार्ड स्पेसिफिक रहेगा, हर स्टेशन के अलग होता जाएगा। और ये हमारे जो सिग्नल इंजीनियर्स होते हैं इसको साइट एक तरह से साइट पे इंस्टॉल करते हैं। इसका लॉजिक आपका कैसे डेवलप होगा, आपका जो ये जो SIP के साथ जो आपका SDLT आता था उसके बेसिस पे हमारा ये बनता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसका जब भी आपका उस स्टेशन पे अल्टरेशन वगैरह आएगा तो आप इसके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको चेंजेस करने की एक तरह से एक्सपर्टीज है तो आप कर सकेंगे। मतलब ये यूजर के ऊपर रहेगा तो वो इसको मॉडिफाई कर ले, है ना। ये इसको समझना चाहें तो आप ये समझ लें कि जैसे आपका जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आता है वो हमारा एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर है ना, वो हमारे सारे PC में कॉमन रहता है। लेकिन हमारे गेमिंग के एप्लीकेशन या फिर ये वर्ड वाला या फिर एक्सेल वाला, ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर ये देखिए फैट और सैट, है ना। फैट क्या होता है, सैट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर भी शॉर्ट नोट हमेशा ही आते रहे हैं। तो आपका जो कोई भी AI जब हम कमीशन करते हैं ना, तो कमीशनिंग करने से पहले जो हमारे जो टेस्टिंग होती है वो 2 चरण में होती है। एक तो हम फैक्ट्री लेवल पे करते हैं, जो फैक्ट्री लेवल पे करते हैं वो होता है फैट, और दूसरा हमारा होता है साइट पर। फैक्ट्री लेवल पे चेकिंग हो गई, फिर कमीशनिंग से पहले साइट पर टेस्टिंग जो होती है वो हमारा साइट एक्सेप्टेंस यानी सैट कहलाती है। तो फैट और सैट के करने का पर्पस क्या है, फैट आप कंपनी लेवल पर करते हैं, ठीक है ना। उसमें एक तरह से यार्ड को सिमुलेट किया जाता है थोड़ा सा। और पर्पस क्या है, टू इंश्योर दैट द इंटरलॉकिंग सिस्टम फुलफिल्स द स्टेशन इंटरलॉकिंग एंड रूट कंट्रोल चार्ट रिक्वायरमेंट्स वर्किंग इन द सेफ मैनर इवन इफ एनी फॉल्स इनपुट और इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड। फैट का करने का एडवांटेज यही है कि एक बार कंपनी पर टेस्ट कर लिया ना, तो साइट पे हमारी टेस्टिंग का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम हो जाता है। तो फैट कैसे हो? आज की डेट में हमारे क्या कहते हैं, फैट के अरेंजमेंट्स फर्म के पास जाके कराने के लिए ST लेवल के लोगों को भी जाना पड़ता है, बीच बीच SSC लेवल के लोग भी जाते हैं, फैट करा के आते हैं। और इसको हमारा OEM ही फैसिलिटेट करता है। फैट करने के लिए आपको लेकिन चाहिए क्या, आपका ये फैक्ट्री इन्वायरमेंट में होगा, इसके लिए आपका किसी भी स्टेशन का एक सिमुलेशन का सेटअप डेवलप कर दिया जाएगा ताकि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी वैलिडिटी एक बार चेक कर दी जा सके। फैट जब आप कैरी आउट करेंगे तो जो सिमुलेशन का सेटअप रहेगा उसी के थ्रू होगा। हर स्टेशन की इंटरलॉकिंग के लिए डेफिनेटली फैट भी अलग ही होगा। फैट के इस टाइम जैसे कैसे होता है कि हम लोग जैसे हम लोग पहले पैनल वगैरह टेस्ट करते हैं, तो हम लोग का टेस्टिंग के दौरान कई बार क्या होता था कि वो टाइमर 2 मिनट का चल रहा है तो भाई 2 मिनट का वेट करना पड़ता था, है ना। लेकिन जब फैट की टेस्टिंग करते हैं, चूंकि कंपनी प्रमाइसेस पे होती है, तो हमारे जो एप्लीकेशन लॉजिक के जो टाइमर होते हैं उसको हम लोग रिड्यूस करा देते हैं, है ना। मान लीजिए 120 सेकंड का है तो उसको 12 सेकंड का सेटिंग करके रख देते हैं ताकि टेस्टिंग फटाफट हो जाए। अब इसमें जो फैट सेटअप आप जब करते हैं तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप स्टेशन पे हैं, आप होते हैं कंपनी के प्रीमाइसेस पे। तो वहां पे क्या होता है कि एक PC के साथ दूसरा PC अटैच कर देते हैं, और PC मतलब वीडियो समझ लीजिए, जो आपका साइट का सिमुलेशन एक तरह से लेके रखा हुआ है। तो एक एक वीडियो पे आप ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट क्या आता है वो आपको दूसरी वीडियो पे एक तरह से दिखना शुरू होता है, फाइन। तो फैट करने के लिए बेसिकली कई बार वो क्वेश्चन आता है कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना, क्या क्या कागजात चाहिए। तो उसके लिए आपका हेडक्वार्टर के सर्कुलर जो लगातार निकलते रहते हैं उसको आप लोग जरूर रेफर करिएगा, आपको मिलेगा भी। और ये फैट का जब काम हमारा एक स्टेशन पे जब हो जाता है,
बेसिकली डॉक्यूमेंट क्या चाहिए ये भी आप दिमाग में रख लीजिए। आपका फैट करने के लिए SIP चाहिए, आपका रूट कंट्रोल चार्ट चाहिए, आपका ये जो पैनल डायग्राम उसको हम लोग FPD भी कहते हैं वो भी चाहिए, और वो क्रॉस टेबल स्क्वायर शीट वगैरह होती है कंस्ट्रक्शन उसको अवेलेबल हो जाती है वो भी चाहिए होती है, और वो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर की जो फाइल्स है वो भी आपको चाहिए, जिसको हम स्टेशन इंटरलॉकिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। आपका जैसे मान लीजिए अनसार्डो का है, तो अनसार्डो वाले के फाइलों के कुछ नाम होते हैं ना, वो microlog2.ml2.mll.mlp इस तरह का नाम रहता है, तो ये OEM अवेलेबल करा देता है। और जब आप एक बार फैट कर लेते हैं ना, तो फैट करने के बाद आपका जो सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो तो टेस्ट हो गया, टेस्ट करने के बाद वो टेस्टेड सॉफ्टवेयर की कॉपी आपको सेपरेटली मिल जाती है .mll.mlp जो आपको बताया तो उसके बेसिस पे, और एक फैट का सर्टिफिकेट वो इशू किया जाता है, और इसी के साथ आपका वो चेकसम और CRC भी आ जाती है, और इसका एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर के नाम पे ऑर्डर में रहता है। अब आ जाते हैं हम सेट पे, तो सेट अब चूंकि सेट करने जा रहे हैं तो सेट बिल्कुल साइट पे आप सिमुलेट नहीं करने जा रहे हैं, अब साइट पे जो फिजिकल गियर्स है उसके साथ आप इसको टेस्ट करेंगे। सेट का पर्पस क्या है? सेट का पर्पस यही है कि इट विल इंश्योर दैट ऑल द इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड एट साइट, दैट इज योर हार्डवेयर या फिर जो कम्युनिकेशन का मीडिया है या चाहे पावर सप्लाई है, रिले है, कंट्रोल कम्युनिकेशन पैनल है, वो सब प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं एज पर अप्रूव्ड सिस्टम, या आपका जो SIP है उसके हिसाब से प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो आपके जो सिस्टम की ओवरऑल सेफ्टी है वो भी इसके साथ इंश्योर हो जाएगी। और एक बार सेट क्लियर हो गया तो हमारा सिस्टम कम्प्लीटली एरर फ्री हो गया है, अब ये हम क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं फाइनल, वो कमीशनिंग कर ले। ठीक है, तो ये सेट के लिए, सेट के लिए भी क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए? डेफिनेटली सेट के लिए आपको वो जो फैट करने के बाद जो आपको फाइल मिली थी सॉफ्टवेयर वाली फाइल वो भी चाहिए, प्लस आपको सिस्टम का SIP, रूट कंट्रोल चार्ट, वही कंट्रोल कम्युनिकेशन पैनल डायग्राम या FPD कह लीजिए, स्क्वायर शीट और वायरिंग के सर्किट्स है ना, ये आपको सेट में चाहिए। तो सेट बेसिकली हमारा सिस्टम की इंटेग्रिटी का टेस्टिंग करता है, जैसे हम लोग STLT टेस्टिंग करते थे ना, उसी तरह से सिस्टम की इंटेग्रिटी और फंक्शनल टेस्टिंग एक तरह से हम लोग पूरी कंप्लीट कर डालते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए एक वो आपकी वो एक जो मैं आपको बता रहा था 2 out of 2 सिस्टम, जैसे अभी हमारा रेलवे में ये RDSA ने कंफर्म कर दिया, रेलवे बोर्ड की गाइडलाइंस भी है कि जहां भी AI इंस्टॉल होगी वो 2 out of 2 सिस्टम ही होगी और हॉट स्टैंड बाई ही होगी। तो आप लोग जैसे हमारे SNT वाले लोग जो लोग AI में काम कर रहे हैं उन्हें तो पता है, टेलीकॉम के लोग ऐसे सारे एग्जांपल्स जरूर याद कर लें कि भाई कौन सा सिस्टम 2 out of 2 है, हॉट स्टैंड बाई कौन सा नहीं है। तो बहुत सारे OEM है जो बनाते हैं, है ना, जैसे आजकल वेस्टर्स का आ रहा है मार्क टू से पहले आता था मार्क 1, तो ये सब सिस्टम जो हमारे 2 out of 2 हॉट स्टैंड बाई है। ऐसे ही हमारा इसका क्योसन का आपका एक मॉडल आता है K5BMC है ना, ये भी 2 out of 2 है हॉट स्टैंड बाई। लेकिन वेस्टर्स का जो पहले VLM6 आता था वो कोई बता पाएगा क्या है VLM6? Anybody from signaling side जो AI maintain करता हो? यार खाने के बाद नींद तो नहीं आप लोगों को आ गई? सर अभी जो लगा हुआ है वो तो 2 out of 2 है। हाँ, अभी तो वेस्टर्स अभी जो Mark 2 के नाम से बनाती है ना, वो Mark 2 हॉट स्टैंड बाई है, लेकिन वेस्टर्स का ये Mark 1 भी जो है 2 out of 2 है। हाँ, जो Mark 1 लगा हुआ है वेस्टर्स का, हाँ अच्छी बात है। और मेधा का कोई बता पाएगा? मेधा है किसी के पास? मेधा MEI 633। हाँ करेक्ट, 2 out of 2 है, बराबर हॉट स्टैंड बाई है ये सर। अच्छा देखिए, इसमें वो जो पावर सप्लाई प्रिकॉशंस वाला है ना, आप लोग वो वेस्टर्न रेलवे की जो साइट है ना, वो 10.3. वाला, उसमें आप जाएंगे ना तो आपको वो कुछ 10 वगैरह मिल जाएंगे पुराने, तो
एआई की पावर सप्लाई को लेके कुछ रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, सारे चेकलिस्ट में उसको चेक किया जाता है और सभी लोग इस पर सवाल भी करते हैं। तो आडियसा का जो टैन है पावर सप्लाई वाला, वो आप लोग जरूर पढ़िएगा, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, राइट। जैसे आपको आपका जो आईपीएस रूम से एआई रैक तक जाने वाली 1 वोल्ट 110 वोल्ट की जो डीसी सप्लाई है, वो हमेशा डुप्लीकेटेड केबल से ही जानी चाहिए, सिंगल केबल नहीं जाएगी, है ना। इसी तरह से आपका आईपीएस से लेके एआई रैक तक जो वोल्टेज पहुंच रहा है, उस लाइन में 1 वोल्ट से ज्यादा का ड्रॉप नहीं होना चाहिए। इस तरह के कुछ प्रिकॉशंस है बहुत सारे, वो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, दिमाग में रखना भी चाहिए। आपका जो डीसी डीसी कन्वर्टर आपका एआई रैक के पास रहता है या फिर एआई रैक के ठीक ऊपर जो रहता है ना, उसमें भी आपका 0.5 वोल्ट से ज्यादा का ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ रूल्स हैं जो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आरडीएसओ का जो 10 है, वो 10 हर जगह के लिए रिकमेंडेड है, फॉलो भी करना है और नोटिस भी करना है, कहीं भी कमीशन हो रहा हो तो भी आपको बहुत मदद मिलेगी उससे। और ये वेरियस सॉफ्टवेयर की जो हम बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली अभी क्या है कि जैसे आपका मेधा का है, क्योसन का है, वेस्टेस का है, ये सभी कंपनियां जो अपना एक मिनट जस्ट वेट, आई गॉट अ कॉल। हेलो, हाँ यस सर, नमस्कार। किसमें सर? किसमें में? हाँ गया था ना सर। हाँ तो चलेंगे ना सर, चलेंगे। मैं ध्यान नहीं दिया सर, एक्चुअली सर अभी मैं क्लास दे रहा हूँ सर, मैं आपको आधे घंटे में रिंग करूँ क्या? एक घंटे में रिंग करता हूँ सर। फाइन, ओके। हाँ तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे क्वेश्चन हो गया और ये सारी एआई कंपनियां है ना, इन लोगों के कुछ कमर्शियल नेम है अपने मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर को, जो मेंटेनेंस टर्मिनल जो हमारे ईएसएम के पास रहता है उसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है उसका इन लोगों ने अलग नाम रख रखा है। आपका ऑपरेशन ऑपरेटिंग पैनल पे जो आपका वीडियो है, उस वीडियो में जो सॉफ्टवेयर, उसका इन्होंने अलग नाम रख रखा है। तो ये जो कमर्शियल नेम है ये आप जरूर याद करिए, ठीक है ना। टेलीकॉम के लोग स्पेसिफिकली, क्योंकि वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन बनता है, जैसे मार्जिस सीमेंस का वेस्टर्स वाला है, तो वेस्टर्स वाले का मेंटेनेंस टर्मिनल उसको लोग बोलते हैं मूवियोला। अनसॉल्डो वाला तो मेंटेनेंस टर्मिनल को एमटी बोलता है, आई मीन मेंटेनेंस टर्मिनल ही है। सीमेंस वाले का जो मास्टर के पास ऑपरेटिंग पैनल रहता है वीडियो, उसमें जो सॉफ्टवेयर होता है उसको बोलते हैं वेस्ट कैड है। इसी तरह से जो कमर्शियल नेम कंपनी वाइज है वो आप लोग एक तरह से दिमाग में अपने रखिएगा, काम आएगा। अच्छा, अभी लगभग हमारा 50 मिनट हो गया है, हम ये एआई वाला पीपीटी क्लोज करता हूँ। और एआई का एक छोटा सा क्वेश्चनेयर मैंने रखा हुआ है, आप लोगों को थोड़ा सा क्लास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। हम लगभग 20 से 25 मिनट तक उन क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं और ये देखते हैं कि आप लोग उसको कितना वो कर पाए। तो अभी एक्चुअली मैं वो क्वेश्चन मैं खोल रहा हूँ, लेकिन उसके मुझे जो ऑब्जेक्टिव्स के आंसर मैंने सामने लिखे हैं ना, पहले मुझे हाइड करने पड़ेंगे ताकि आप लोग उसको देख के ना बोले। तो जस्ट 2 मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं उसे वो कर लेता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करना बंद करता हूँ। वेट, तब तक आप लोग अपने कैमरा ऑन कर लिए, जरा मैं देख लूं भाई कौन लोग कहां कहां से हैं, किस उम्र के लोग हैं।
ठीक है, ये लगभग लगभग मैंने कर लिया है। आप सभी लोग को अपने घर से करने के लिए बोला गया क्या? कोई क्लासरूम में नहीं है? मेरी वीडियो देख ली आप लोगों को? क्लासरूम है ही नहीं सर। यार ये तो बढ़िया हो गया, 15 दिन घर पे एंजॉय करते हुए ट्रेनिंग। सर ऑफिस है, एंजॉय कहाँ सर? बहुत सारे ऑफिस का भी काम करना पड़ता है, ऑफिस दिख रहे हैं, बहुत सारे घर भी दिख रहे हैं। ठीक है, एक्सलेंट। ठीक है, कैमरा डिसेबल करते हैं हम लोग, है ना, और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन बैंक एक है, उसमें हम एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे। फाइन सर, ये क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। ये जो आपने अभी बताया था पॉइंट के, उसमें इनपुट और आउटपुट, उसमें दो आउटपुट दो इनपुट बताया था। हाँ हाँ, लेकिन ऑलरेडी चार इनपुट चार आउटपुट होता है उसमें। हाँ वही मैं कह रहा, मैंने आपको पहले बता दिया था कि उस टेबल में कम दिखाया हुआ है, वो एग्जांपल के लिए था। काफी सारी जगह में उसका ऑप्शन भी वैसे ही देते हैं। हाँ बहुत सारे रहते हैं, एग्जैक्टली मैं आपसे यही कह रहा था, उसमें दिखाते वक्त कि वो जो टेबल है वो सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ एग्जांपल दिखाया गया है, ना कि उसको आप एज ए वर्बैटिम ले। क्वेश्चन पेपर देखा था। हाँ हाँ, उसके अंदर ऑप्शन ही दो आउट ऑफ दो ही था, कोई चार आउट ऑफ चार था नहीं, चार इनपुट चार आउटपुट। जबकि पॉइंट में एक आप देख लीजिए, NWCR RWCR NWR RWR और NWR RWR उसका इन है, और NWR इन RWR इन उसकी चार। ये देखिए जो आपका वो आप NWCR RWCR बोल रहे हैं ना, ये नहीं होता एक्चुअली। आप चाहे मेरे ख्याल से आप वेस्टर्स का भी रिसेंटली मैंने देखा है, इसका अंसाल्डो को भी देखा हुआ है, आपका जो वाइटल आउटपुट है आपका NWR RWR ही रहता है। सर मैंने चारों तरह के देखे, उसमें चारों में चार आउटपुट होते ही है सर। अब वो किसने किसने बनवा लिया होगा, उसके लिए दो रिले एक्स्ट्रा लगाए होंगे, तो गड़बड़ है ना। नहीं नहीं, इंटरफेस का अपना स्टैंडर्ड डिजाइन ही है ये सर। हाँ नहीं, इंटरफेस इंटरफेस का देखिए, मैं समझ रहा हूँ आपका, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि हमारा जो लॉजिक जो स्टोर्ड प्रोग्राम है माइक्रोप्रोसेसर में, उसके भीतर की बात कर रहा हूँ, उसके भीतर जो लॉजिक में है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो वाइटल आउटपुट की बात कर रहा हूँ। वाइटल आउटपुट तो वो हो गया ना जो बिट जनरेट होगा और रिले को ड्राइव कराएगा, तो ड्राइव कराने के टाइम जो वाइटल आउटपुट की बात करेंगे किसी पॉइंट के लिए, तो वो NWR है और RWR है जो पॉइंट को ऑपरेट कराएगा। आप समझ रहे परमार जी मैं क्या कह रहा हूँ? आपको स्क्रीन दिखी हमारी? जस्ट वेट। नहीं दिखी सर। अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अभी देखिए एक्चुअली अभी शुरू में हम लोग बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ईआई के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ लोगों के पास पहले से जानकारी है और कुछ लोगों ने अभी की जो क्लास ली है उसके बेसिस पर उनको जो थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी हुई होगी तो अच्छी बात है, बाकी हम यह सब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप में से जिसको आंसर आता होगा वो बताएगा, है ना, आपके ईआई के लिए जो प्राइम इनपुट है EI interface, that is prime input for the EI interface designs are, आपका EI का interface design करने के लिए input में क्या क्या चाहिए? SIP चाहिए, front panel diagram चाहिए और root control chart चाहिए। किसी भी EI को design करते हैं जो आपका EI की card file और OC की जो card file होंगी या housing होंगी वो किस चीज के calculation के ऊपर depend करेंगी? मैंने बताया था अभी आपको आपका बताइए क्या रहता है? स्टेशन स्पेसिफिक। करेक्ट करेक्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा स्टेशन स्पेसिफिक होगा, जितने स्टेशन होते हैं उनका अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर हमेशा कॉमन रहता है। फाइन, हर OEM का एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर अलग रहेगा और हर स्टेशन का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग रहेगा। अब आइए चौथा क्वेश्चन आपका, इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर करेक्ट 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 ऑप्शन
है ना, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसमें एक सेंट्रल प्लेस पे आपका सेंट्रल प्रोसेसर रहेगा, लेकिन आपके जो सारे ऑब्जेक्ट कंट्रोलर है उनके साथ जो इंटरकनेक्टिविटी रहेगी वो हमेशा ओएफसी के साथ होगी। अब पांचवा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, अभी हमने डिस्कस किया इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है, सेम मॉडल ऑफ सेम ओएम, ठीक है ना, कॉमन टू ऑल होगा बशर्ते मॉडल सेम हो और ओएम वही रहे। सिक्स में आइए, व्हेन एनी अनसेफ फेलियर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एन ईआई, तब क्या होता है अगर कोई फेलियर अनसेफ हो रिकॉग्नाइज तो ईआई में तो क्या होता है? सिस्टम शटडाउन एंड ऑल आउटपुट विथड्रॉन, करेक्ट, है ना, कुछ भी अनसेफ होता है तो अपना ये सारे आउटपुट विथड्रॉन कर दिए जाते हैं ताकि सिस्टम फिर से मोड में चला जाए और सिस्टम शटडाउन हो जाता है। एक्सटर्नल डाटा लॉगर प्रोविजन टू ईआई इज मैंडेटरी, लगाना है मैंडेटरी, क्योंकि अगर देखें ऐसा है कि नहीं लगाएंगे तो कोई नुकसान होगा ऐसे नहीं, हमारे ईआई सिस्टम में चाहे किसी भी ओईएम का हो इतना सारा डाटा और पैकेट जनरेट होता रहता है, बहुत सारे इवेंट जनरेट होते रहते हैं, आप उसके थ्रू भी डायग्नोसिस कर सकते हैं, लेकिन रेलवे बोर्ड हमेशा से चाहता है कि एक तरह की यूनिफॉर्मिटी रहे, है ना, ओवरऑल यूनिफॉर्मिटी रहे, इसीलिए एक्सटर्नल डाटा लॉगर मैंडेटरी है ना, इसका ईआई में आरडीएसओ का कोई रोल नहीं है इसके सॉफ्टवेयर से, सॉरी सर, ईआई में आरडीएसओ का कोई रोल नहीं है? हाँ, ईआई में आरडीएसओ का कोई रोल नहीं है, वो ईएम ने अपनी फैसिलिटी के हिसाब से बनाया, इसीलिए यूनिफॉर्मिटी नहीं रह जाती, हमारे यहाँ आरडीएसओ है तभी तो रेलवे में यूनिफॉर्मिटी है, नहीं तो किसी का मन करता तो किसी भी साइज का किसी भी टाइप का कोई सा भी हार्डवेयर अपने यहाँ लगा लेता। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उसका इंटरनल डायग्नोसिस का सिस्टम आपके एग्जिस्टिंग डाटा लॉगर से कहीं ज्यादा बेटर है। आपने कभी मुवेला वगैरह अपडेट किया हो तो आप लोगों को दिखाई देगा, है ना, आजकल तो उसमें बिल्कुल लॉजिक के कौन से स्टेप पे कौन सा लॉजिक का स्टेप फॉलो नहीं हुआ वो पर्टिकुलर रिले को कलर चेंज करके बता देता है कि आप ये वाला सर्किट चेक करिए इसमें मिलेगा फॉल्ट, है ना, तो उसका डायग्नोसिस तो बहुत ही बेहतरीन है, नो डाउट, बट यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए डाटा लॉगर को कंपल्सरी किया गया है। ऑल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम्स हैव, कि हम जिसका डिस्कशन कर रहे थे वही आ गया, डायग्नोसिस फीचर, करेक्ट, है ना, अपना खुद को डायग्नोस करने का एक फीचर उसमें हमेशा रहता ही रहता है। बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट कंट्रोलर्स व्हाट डू वी अचीव, ऑब्जेक्ट कंट्रोलर यूज करके हम क्या अचीव कर लेते हैं? मैन सिग्नलिंग केबल का ड्यू टू ऑप्शनल कम्युनिकेशन, करेक्ट, दिस क्वेश्चन मस्ट बी डिस्कस्ड, कैसे सेव कर लेते हैं हम लोग मेन सिग्नलिंग केबल, कि भाई जहां पे आपका सेंट्रल प्लेस रहेगा अगर डिस्टेंट गियर जो दूर दूर के जो गियर्स है जिनके आपने ग्रुपिंग करके वहां पे ओसी लगा दिया है, अगर ओसी नहीं लगाते तो वहां से फिजिकल केबल लेकर के आपको सेंट्रल प्लेस तक लेके आना पड़ता है चाहे वो कितना भी दूर होता है, लेकिन हमने लोकल लेवल पे केबलिंग कर दी और ओएफसी ओसी तक ले गए और फिर ओसी को सीधा ओएफसी से हमने कनेक्ट कर दिया सेंट्रल प्लेस से, तो हमारी सारी केबल बच गई। 10 बेस्ड अपॉन व्हाट कैलकुलेशन नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट कार्ड्स कैन बी कैलकुलेटेड, सर इसमें ये वाइटल इनपुट और नॉन वाइटल इनपुट अलग अलग लिखते तो? हाँ तो अलग अलग ही लिखा जाता है ना, उसमें फायदा क्या होता है कि देखिए आपके जो ओएम होते हैं ना इतनी सारी कंपनियां यही बना रही हैं, लेकिन बिट चार्ट तो सभी के लिए कॉमन बनेगा, अब होगा क्या कि जो हमारा नॉन वाइटल और वाइटल इनपुट आउटपुट की बिट हम अलग से कैलकुलेट करते हैं तो लास्ट में टोटल एडिशन आ जाता है कि भाई इतना वाइटल इनपुट आउटपुट आपने को चाहिए और इतना वाइटल आउटपुट इनपुट नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट आ रहा है, तो हमारे क्या होता है कंपनियां ये वाइटल इनपुट नॉन आउटपुट कार्ड अलग टाइप का बनाती है, नॉन वाइटल इनपुट और नॉन वाइटल वाला कार्ड अलग टाइप का बनाती है, इनपुट आउटपुट वाले कार्ड अलग रहते हैं और हर कार्ड की अपनी कैपेसिटी होती है, कोई कंपनी कहती है हमारा एक कार्ड 12 इनपुट ले लेगा, कोई कहती 8 ले लेगा, कोई कहती 20 ले लेगा, 16 ले लेगा, तो उस कंपनी के बेसिस पर हमारे कार्ड डिसाइड हो जाएंगे
और कार्ड जो हमारे एक जो हाउसिंग होती है, हाउसिंग कह लीजिए, जो एक रैक होता है ना जिसमें मदरबोर्ड लगा रहता है पीछे के साइड, जिसमें हम कार्ड इंसर्ट करते हैं, उसे अनसॉल्वड कार्ड फाइल बोलता है ना हमारे ये सीमेंस हाउसिंग बोलता है। तो हर हाउसिंग में मैक्सिमम कार्ड डालने की भी कैपेसिटी होती है। तो ये सब कैपेसिटी डिसाइड करने के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो कि हमारे पास कितने बिट्स हैं। बिट्स पता चल जाएंगे तो हमको ये पता चल जाएगा, अच्छा ठीक है मेरे को सीमेंस का लगाने वाले हैं तो भाई उसमें 12 इनपुट लेगा पर कार्ड, तो हमारे पास सपोज करिए कि 120 हो गए तो हमको 10 इनपुट कार्ड तो चाहिए, तो हमारे 10 इनपुट कार्ड डिसाइड हो गए। अब हम देखेंगे हमारे हाउसिंग की कैपेसिटी क्या है, कितना हाउसिंग चाहेगा, क्योंकि कंपनियां हाउसिंग के बेसिस पर रेट चार्ज करती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ओके सर, ओके। अब आइए, ये इन चारों में से कौन सी चीज है जो कम्युनिकेशन केबल में काम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो वो कंपाइलर के थ्रू होती है। एज पर लेटेस्ट गाइडलाइंस विच काइंड ऑफ सिस्टम हैज टू बी यूज्ड फॉर हॉट स्टैंड बाई, हॉट स्टैंड बाई में भी आप दिमाग में रख लीजिए 2 out of 2। ओके, व्हाट काइंड ऑफ केबल इज रिक्वायर्ड फॉर द वीडियो कनेक्टिविटी विद ईआई, ईआई के साथ वीडियो को कनेक्ट करने के लिए किस टाइप का कम्युनिकेशन रहेगा, सीरियल कम्युनिकेशन रहेगा या फिर ओएफसी रहेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 16 नंबर पे आइए, एक ईआई कैन बी ऑपरेटेड बाई व्हाट, बताया था ठीक है ना, आप इसको वीडियो के साथ तो रखना ही रखना है, आप चाहे तो कंट्रोल कम्युनिकेशन पैनल को भी रिटेन कर सकते हैं ठीक है ना, लेकिन एक्स्ट्रा क्या लगेगा उसके साथ, हाँ अगर आप सीसीआईपी के साथ लगाएंगे तो आपको पैनल प्रोसेसर का भी खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 17 में आते हैं, The vital output card in an EI क्या करता है, vital output card output to drive output relay, reverse output to drive output relay है ना, vital output card हमें आपका जो vital output की bit की बत्ती जल गई तो voltage निकल जाएगा आपके output वाले relay को operate करने के लिए ताकि हमारा gear side पे operate हो जाए। ठीक है, EI application logic is loaded into what, EI का एप्लीकेशन लॉजिक कहां पर लोड होता है, हमारे सामने वाले सरसी भाई लोग टेलीकॉम के लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दे, सीपीयू कार्ड, डी वाला होगा सर, हाँ किसने बोला डी वाला, उपेंद्र सर टेलीकॉम से, नहीं उपेंद्र जी है ना हमेशा जो है सीपीयू में रहेगा सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर, हेलो
अच्छा ये फॉर्म भेजा दोबारा आज, मैंने दूसरा भेज दिया फिर वापस मृदुल और उसका कौशिक का, अरे सुशांत का। ठीक है, दो अकाउंट चालू है इसलिए इको आ रहा है। नहीं तो सुबह दोपहर को भेज दिया था ना यार। संकवाल जी आपका बात कर रहे हैं एक बार। सर आपके आवाज नहीं आ रही। आप म्यूट हो गए क्या? अभी आवाज आ रही है क्या आपकी मेरी? आ रही है सर, आ रही है। हाँ सर आ गई। एक्चुअली वही टेलीकॉम के लोगों से शिकायत है यार, वो नेट बंद हो जा रहा है ऑफिस में भी, वो भी मुंबई में। जस्ट वेट, मैं कंटेंट शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। ओके फाइन। हाँ देखिए, मैं एक्चुअली ये जो अपना पेरीमीटर वाला जो ये अर्थिंग एलिमेंट के बारे में बता रहा था आप लोगों को, आरडीएसओ की भी साइट पे और अपने वेस्टर्न रेलवे की भी साइट पे अर्थिंग अरेंजमेंट का स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ, उसको आप लोग जरूर रेफर करिए और बार बार ट्राई करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, द एक्सटर्नल डाटा लॉगर कैन बी कनेक्टेड टू एपीआई थ्रू प्रोटोकॉल कन्वर्टर। हाँ, 19 का आंसर बहुत ही सिंपल सा, ये रिंग अर्थ लगेगा है ना पेरीमीटर। सर 18 का वैल्यू का क्या रहेगा सर? 19 का पेरीमीटर, पेरीमीटर आप 20 में है ना अभी, तो हम 20 एक्सटर्नल डाटा लॉगर 18 का सीपीयू कार्ड। एआई का एप्लीकेशन लॉजिक हमेशा हमेशा सीपीयू कार्ड में ही इंस्टॉल होता है, इनपुट आउटपुट कार्ड में कुछ भी नहीं रहेगा। इनपुट आउटपुट कार्ड में सिर्फ फिजिकल वायरिंग होती है, वो सभी के सभी सीपीयू कार्ड के गुलाम है। ठीक है, ठीक है। अभी इसमें आइए, आप एप्लीकेशन डिजाइन स्टार्ट करने के लिए आपको इनपुट में क्या क्या चाहिए? अप्रोच सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान एंड फ्रंट प्लेट ड्राइंग। करेक्ट, अप्रूव्ड सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान एंड फ्रंट प्लेट ड्राइंग। एसआईपी भी चाहिए, एफपीडी भी चाहिए और आरसीसी भी चाहिए। ठीक है ना, ये डायग्राम्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन डिजाइन स्टार्ट करने की स्थिति में आ पाएंगे। नाउ दिस कम्स एग्जांपल फॉर सॉफ्टवेयर रिडंडेंट एआई सिस्टम इज, इन तीनों में से, इन चारों में से कौन सा सिस्टम ऐसा है आज की डेट में जो सॉफ्टवेयर रिडंडेंट है? एमएल के सेकंड सर बी। हां, माइक्रोलॉग 2 बी। लॉग टू इज सॉफ्टवेयर रिडंडेंट सिस्टम। ठीक है, बाकी आपका ये K5 BMC MEI-63 ये सब सॉफ्ट हार्डवेयर रिडंडेंट भी है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिडंडेंसी की बात की है हमने, तो माइक्रोलॉग 2 है। एग्जांपल फॉर हार्डवेयर रिडंडेंट एआई सिस्टम, हार्डवेयर रिडंडेंसी इसमें किसमें है? MEI-63। ये देखिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेल 4 व्हाट इज सेल सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल। इंटीग्रिटी लेवल
ये रिकमेंडेड है आरडीएसओ के थ्रू भी, रेलवे बोर्ड की गाइडलाइंस के थ्रू भी, कि आपके यहाँ लगने वाली सारी की सारी ईआई एसआईएल 4 पर होनी चाहिए उनका डिजाइन। खैर ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है तो उसमें कोई इशू आएगा नहीं। बेस्ड ऑन नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट बिट कैलकुलेशन, व्हाट कैन बी कैलकुलेटेड सर? पैनल प्रोसेसर कार्ड्स। पैनल प्रोसेसर कार्ड्स। कौन बोल रहा है? अंकित। राइट अंकित, आपके जो सारे नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट बिट कैलकुलेशन है, देखिए पैनल प्रोसेसर कार्ड क्या है आपका, ये आपका ईआई से अलग चीज है। ईआई मतलब आपका जो आप वो लगा रहे हैं ना पैनल प्रोसेसर, उसके साथ लगा रहे हैं हम लोग सीसीआईपी के साथ। तो नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट बिट कैलकुलेशन आपके पास जो पहले से रहेगा वो आपका पैनल प्रोसेसर कार्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पर उसका डिसीजन होगा। ठीक है, नहीं लगाया तो पैनल प्रोसेसर कार्ड की भी जरूरत है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है 25 नंबर, इस 25 नंबर क्वेश्चन को आपके जो बाकी के तीन ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन के अलावा बी सी डी जो ऑप्शन है वो कहीं से इसके साथ मैच नहीं होते। तो एक तो ब्लाइंड गेस आ गया कि यार पैनल प्रोसेसर कार्ड ही सही होना चाहिए, है ना। अंकित जी को जानकारी है इसलिए उन्होंने पैनल प्रोसेसर कार्ड बोला, लेकिन मैं एक और आपको बात बता रहा था कि आपके जो पैनल पे जो इंडिकेशन वाला जो आपको पैनल प्रोसेसर भी लगाना पड़ता है ना, उसके लिए भी इन बिट कैलकुलेशन में इसका अपने को फिगर चाहिए होता है। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने आगे डिस्कस किया था लेकिन दूसरे रूम में सामने आया। ओके, Now what about this? The reverse compiler converts. Reverse compiler वो machine language machine का है। machine का है। शायद B object code to source code. Object code to source code. Correct. Object code to source code. Object code. Hot standby arrangement. क्या मतलब हुआ? Both system power on. Both systems power on. Power on. Correct. और इसको और improve करेंगे आगे जाके तो क्या होगा? Synchronize. Yes, synchronization. That word is very important and vital. Warm standby, hot standby में सिर्फ synchronization का फर्क रहेगा। दोनों बिजली हैं। हाँ, RS-232 serial communication cable is used as. Sir, video connectivity cable भी दिया ही। Correct. अरे यार अभी आंसर आने लगे, कोई बात मैं छुपा छुपा के आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है ना, इन वार्म स्टैंड बाई अरेंजमेंट, वार्म स्टैंड बाई अरेंजमेंट क्या रहेगा? बोथ सिस्टम्स ऑफ। भाई तो चलाओगे किससे? सिंक्रोनाइजेशन भी नहीं होगा सर, बोथ सिस्टम सर, बोथ सिस्टम ऑफ कंटीन्यूअसली ऑन ऑन सर, दोनों ऑन रहेंगे पर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा सर। वार्म स्टैंड बाई में ओनली वन सिस्टम ऑन रहेगा और साथ में लगा रहेगा अपना ऑटो चेंजओवर। ठीक है, ऑटो चेंजओवर लगा रहेगा, एक सिस्टम मेरा ऑफ हो जाएगा तो दूसरा सिस्टम ऑटोमेटिकली लोड ले लेगा, सिस्टम तो ऑन ही रहेगा। कोल्ड स्टैंड बाई में आपका एक सिस्टम ऑन रहेगा, दूसरा सिस्टम ऑफ रहेगा। और दूसरा सिस्टम जो ऑफ है, चूंकि ऑटो चेंजओवर लगा नहीं है तो हमारे एसआई साहब को उठ के आना पड़ेगा सिस्टम को ऑन करने के लिए। ठीक है ना, अब ये बताइए 32 कौन सी चीज है जो वेरीफाई करती है इनपुट रिले स्टेटस को ईआई में? सर शायद इनपुट कार्ड, नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट कार्ड। हाँ, इनपुट कार्ड। करेक्ट, इनपुट कार्ड क्या होता है कि आपकी जो फिजिकल रिले, हमारी जो रिले रैक में हमने लगाई हुई है, वो अगर ऑफ है तो उसका अपने पास एआई को इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? वो इनपुट कार्ड के थ्रू मिलेगी। ठीक है ना, इनपुट कार्ड। सीपीयू कार्ड इज लोडेड विद, उस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके थे अभी। एप्लीकेशन लॉजिक, एग्जीक्यूटिव लॉजिक, वही क्वेश्चन घूम के आया दूसरे तरीके से। ठीक है ना, सीपीयू कार्ड में ही हमारे सॉफ्टवेयर दोनों लोड होते हैं, एग्जीक्यूटिव वाला भी और एप्लीकेशन वाला भी। एप्लीकेशन वाला भी। सर्च प्रोटेक्शन अरेंजमेंट मस्ट फॉर एआई, वो तो अंडरस्टूड है भाई। आगे बढ़ते हैं 35, विच वन इज कनेक्टेड थ्रू प्रोटोकॉल कन्वर्टर? घूम के वही आ रहा है। इंटरफेस बिटवीन सीसीआईपी एंड ईआई इज कॉल्ड पीपी, सीसीआईपी पीपी,
पैनल प्रोसेसर का करेक्ट 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 माइक्रोलॉक टू ईआई इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट Microlock 2 is the redundant software. Software redundant system. इसमें double double software रहते हैं. MA63 is the example of what? Hardware वाला है. Hardware redundant. Answer लीक हो गया इसका. MEI. SIL4. EI hardware. EI hardware. EI hardware. Correct. Which contacts are used as readback contacts? Very important question and very confusing question also. Readback. Sir, शायद event logger. Event logger. Nine. Event logger. Vital output. Non-vital. Non-vital. भाई रीडबैक तो इम्पोर्टेंट है ना, इसको नॉन वाइटल कैसे बोल सकते हैं? वाइटल वाइटल आउटपुट आप ध्यान दीजिए कि वाइटल वाइटल आउटपुट वाइटल आउटपुट रिले वाइटल आउटपुट रिले मैंने तो बोला मैंने आप इवेंट लॉगर आप ये सोचिए कि आपका सिग्नल जो है आपने सिग्नल ग्रीन दिया था, सिग्नल ग्रीन आ गया ठीक है ना, तो मेरे पास रीडबैक तो आना चाहिए ना जी, वो किसके थ्रू आएगा? वाइटल आउटपुट रिले के थ्रू आएगा। ऐसा थोड़ी क्या उसको फिर से कमांड देने जा रहे हैं तो वाइटल इनपुट मान लेंगे, नहीं ना। अच्छा ये देखिए ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के सवाल पूछे भी जाएंगे क्योंकि इसको रट्टा मारना पड़ता है ना, स्टैंडर्ड्स बहुत सारे हैं तो इसको हम स्किप करते हैं, लेकिन जानकारी के लिए आप देख लें रैम सही है ना, 42 नंबर ये आपका EN50121 ये आपका आता है EMC के लिए कौन सी रिले का कॉन्टेक्ट रीड बैक कॉन्टेक्ट की तरह यूज किया जाता है, तो वाइटल आउटपुट आउटपुट बराबर सर ठीक समझ बराबर जी सर। 43 देखिए 43 बताइए बी एग्जीक्यूटिव डाटा प्रोम क्या होता है ना, डाटा प्रोम्स होता है ये सर, कम्युनिकेशन नहीं डाटा प्रोम्स है ये एग्जीक्यूटिव डाटा प्रोम्स क्या होता है सर, डाटा प्रोम इज लोडेड विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोम्स मींस सर प्रॉम्प्ट आपका यार फुल फॉर्म तो मेरे को नहीं याद आ रहा, वो प्रॉम्प्ट अपना ये रहता है प्रोग्रामेबल रैंडम मेमोरी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी करेक्ट है ना, रैम और रोम का प्रॉम्प्ट आता है प्रोग्रामेबल रहता है। आइए 44 बताइए, इस पर हमने डिस्कशन किया था वाइटल को क्या मानेंगे, वाइटल इनपुट यस सर है ना, मेरा सिग्नल जब मैं दे रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरा पॉइंट जो लाइन में पढ़ने वाला है वो रिक्वायर्ड कंडीशन में है कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे तब पता चलेगा जब पहले से मेरे पास वाइटल इनपुट रहे, तो वो वाइटल इनपुट क्या है, NWKR RWKR भी है ठीक है ना। ये क्या रहेगा, ये इंडिकेशन है पॉइंट का नॉर्मल का रिवर्स इंडिकेशन, नॉन वाइटल आउटपुट इंडिकेशन है तो नॉन वाइटल हो गया। ये क्या रहेगा, HRDR को क्या ट्रीट करेंगे आप, वाइटल आउटपुट क्योंकि ये रिले पिकअप होगी तभी मेरा वोल्टेज निकलेगा ड्राइव करने के लिए, तो गियर का ड्राइव होना तो खतरनाक है ना, तो इसको हम लोग वाइटल यानी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मानेंगे ठीक है ना। क्या मानेंगे, आंसर लीक हो गया दब गया ठीक है ना। स्टेशन का इंटरलॉकिंग सर्किट है वो बेसिकली आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम में प्रिपेयर्ड होता है और ये स्टेशन टू स्टेशन वेरी करता है, इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ठीक है ना। हाँ इसमें से कौन सी चीज है जो एज एन ऑपरेटिंग इंटरफेस यूज होगी,
सर वीडी ओपीसी करेक्ट। ऑपरेटिंग इंटरफेस मतलब मास्टर के पास में होगा, मास्टर के हाथ में क्या रहेगा वीडियो रहेगा, ठीक है ना। सीपीयू, सीपीयू कहाँ लिखा है? नहीं सर वो मास्टर के हाथ में तो सीपीयू रहेगा ना सर। अच्छा ठीक है, वीडियो का सीपीयू रहेगा, फाइन ठीक है ठीक है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कहाँ पर लोड होगा, हमने डिस्कशन किया था एग्जीक्यूटिव ईप्रोम्स। हाँ, वो आपका माइक्रो प्रोसेसर का ही सब डिविजन है, तो एग्जीक्यूटिव ईप्रोम्स बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा अभी हम लोग थोड़ा सा डाटा लगा पढ़ के आते हैं, है ना। अरे यार 4:25 हो गया भाई, आधे कितना समय भी हमारे पास, 20 मिनट। काफी मिनट है, जब तक पढ़ाओ तब तक हो जाए। अरे कोई बात नहीं, डाटा लॉगर बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटे में निपटा देंगे, अभी रुक जाइए, जस्ट वेट। ये आप लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है सर। ओके फाइन। डाटा लॉगर हमारे टेलीकॉम के लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, बखूबी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बहुत ही वाइटल चीज है। इसके आने के बाद पूरा गेम बदल गया एसएनडी के लिए। अब हम पर कोई आंच डाल नहीं सकता, हम पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। साथ में ये भी है कि हमारे हाथ हमने सामने वाले के हाथ में दे दिए, है ना। तो डाटा लॉगर क्या है, ये भी भाई माइक्रो प्रोसेसर अपना एक इक्विपमेंट है, ठीक है, जो आपके इस एक स्टेशन पे होने वाले सभी ऑपरेशंस पे नजर रखता है। कैसे नजर रखता है, मास्टर कोई भी बटन दबाता है, कुछ होता होगा पैनल पे, बहुत सारे रिले खटपिट खटपिट होती होंगी, पिकअप ड्रॉप हुई होंगी, उन सारे रिले का जो ऑपरेशन का स्टेटस है वो हमारे डाटा लॉगर के पास आता रहता है। इसके अलावा हमारे जो पावर सप्लाई सिग्नलिंग के लिए इस्तेमाल होती है वो सभी एनालॉग चैनल्स के थ्रू आती रहती है, और हम लोग उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं। तो बेसिकली डाटा लॉगर क्या हो गया, बिल्कुल जैसे आपका एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है, वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन रखता है उस पर होने वाले ऑपरेशंस की, पायलट ने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक। वैसे हमारा डाटा लॉगर इस बात के सारे ऑपरेशन रखता है कि स्टेशन पर क्या हो रहा है और मास्टर क्या कर रहा है, ठीक है। इसकी जो रिपोर्ट हम लोग निकालते हैं वो यूजर फ्रेंडली क्यों है, क्योंकि वो हमारे डिपार्टमेंट की साख को बढ़ाती है और दूसरे डिपार्टमेंट को पकड़ने में हमको मदद भी करती है, राइट। तो ये देखिए खाली एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया हुआ है आपका, ये कंप्यूटर FAS फेल एनालिसिस सिस्टम जिसको बोल रहे हैं FAS। देखिए अपने टेलीकॉम के भाई लोगों को ये याद रखना भाई, है ना, कि डाटा लॉगर का इक्विपमेंट ये होता है और उसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास एक कंप्यूटर होता है जिसके जरिए हम सॉफ्टवेयर के जरिए उसका इस्तेमाल करते हैं। इस कंप्यूटर को हम लोग सिर्फ कंप्यूटर नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग हमेशा इसके टेक्निकल नाम FAS से बोलेंगे, फेल एनालिसिस सिस्टम, ठीक है। अरे यार गोली चल रही है भाई इसमें तो। व्हाट इज मीन बाय डाटा, डाटा लॉगर इज डाटा स्टोर्ड इन डाटा लॉगर इज ऑफ टू टाइप्स, डेफिनेटली डिजिटल डाटा होगा एनालॉग डाटा होगा। डिजिटल डाटा क्या रहेगा, अगर आपका कन्वेंशनल सिस्टम है तो रिले के कॉन्टैक्ट्स डिजिटल डाटा के फॉर्म में सेव होंगे, और अगर SSI है तो डेफिनेटली SSI में तो हमारी बिट जनरेट होती है, तो बिट को हम लोग डिजिटल डाटा के रूप में लॉग करते हैं। एनालॉग डाटा क्या रहेगा, हमारे बस बार से जाने वाले सारे सप्लाई चैनल्स को हम लोग टैप करके एनालॉग फॉर्म में अपने पास देखने के लिए रख लेते हैं। डाटा लॉगर में इवेंट लॉगिंग उसकी भी होती रहती है। डाटा लॉगर आपको चाहिए क्यों, हर स्टेशन पे हमको चाहिए हमारे फेलियर में रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए, फेलियर को ट्रेस करने के लिए। ऑनलाइन ऑफलाइन सिमुलेशन देखते हैं हम लोग, है ना, बहुत सारी चीजों के लिए हम लोग प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस भी कर लेते हैं, हमारे पास वो एक्सेप्शंस जनरेट होते हैं, है ना, उसके अलार्म्स हमारे पास आते रहते हैं, हमें पता चलता है कि फला सिग्नल बार बार बॉप कर रहा है, फला ट्रैक बार बार बॉप कर रहा है, या फला पॉइंट में लूज पैकिंग है, वो अंडर रीस ऑपरेट होता है तो पॉइंट मेरा फ्लैश करता है, तो हमको बहुत सारी चीजें प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए इसकी मदद मिल जाती है, और एक्सीडेंट के एनालिसिस में काम आ जाता है, है ना। कहीं भी कुछ भी स्पैट वगैरह होता है तो लोग सीधे भाग के डाटा लॉगर की रिपोर्ट पे हमला करते हैं, भाई लो हमको दिखाओ उसमें क्या हुआ था, सिग्नल ऑन था कि ऑफ था, ड्राइवर चला था नहीं चला था, कैसे चल गया। और आपके एक स्टेशन पे एक स्टेशन मास्टर की अगर आप परफॉर्मेंस को भी जज करना चाहें तो भी डाटा लॉगर आपको बहुत हद तक मदद करता है, है ना, कि बहुत देर तक ट्रैक पे गाड़ी ऑक्यूपाई करके खड़ी लेकिन मास्टर सिग्नल नहीं दे रहा, मास्टर गेट खोल नहीं रहा जबकि कोई चीज है नहीं, गाड़ी आ नहीं रही है, तो
डाटा लॉगर से इस तरह की मदद हमें मिलती है। डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ डाटा लॉगर, एप्लीकेशंस क्या है, वही हम जो डिस्कशन कर रहे थे, ऑपरेशनल की ऑपरेटिंग की मिस्टेक निकालना, स्पैड वाले केसेस को एक्सेस करना, किसी ट्रेन की स्पीड को भी हम लोग किसी एक पर्टिकुलर सर्टेन उस पर जो हम लोग बता सकते हैं। ये कैसे बताते होंगे हम लोग, ये हम देखते हैं कि सीक्वेंस ऑफ ट्रैक का पिकिंग अप एंड ड्रॉपिंग एंड देन पिकिंग अप कैसा है, गाड़ी की लेंथ कैसी है, उसके बेसिस पर स्पीड निकाल लेंगे। फिर अच्छा आप देखना है बेसिकली ये काम कैसे करता है ना, बहुत ही ब्रीफली इसको समझेंगे हम। डाटा लॉगर में माइक्रो प्रोसेसर होता है, कोई बता पाएगा माइक्रो प्रोसेसर कैसा होता है? बहुत ही छोटा सा 32 बिट वाला होता है, मोटोरोला की कंपनी का आता है ना। ये हमेशा आपके डिजिटल इनपुट को और एनालॉग इनपुट को लगातार स्कैन करता रहता है। इसके कुछ डिजिटल इनपुट कार्ड होते हैं, स्कैनिंग कार्ड्स, और कुछ इसके एनालॉग इनपुट कार्ड्स होते हैं। इसके मदद से हम लोग लगातार सारे इवेंट्स को लॉग करते रहते हैं, स्कैन करते रहते हैं, और हर स्टेटस, हर रिले जैसे अपना स्टेटस बदलती है, उस बदले हुए स्टेटस को हमारी ये कार्ड जो होते हैं डिजिटल इनपुट कार्ड और एनालॉग इनपुट कार्ड्स, ये उसको कैच कर लेते हैं, कैच करके प्रोसेसर के पास देते हैं, और प्रोसेसर उसको अपने यहाँ स्टोर कर लेता है। माइक्रो प्रोसेसर में हमारी एक फ्लैश रैम भी होती है, मेमोरी, उसमें ये अपने डाटा को स्टोर कर लेता है। और जब स्टोर करता है ना, तो माइक्रो प्रोसेसर, ध्यान दीजिए मैं जो बोल रहा हूँ, माइक्रो प्रोसेसर ही ऐसा वो है जो टाइम की स्टैम्पिंग करता है। डेट एंड टाइम की स्टैम्पिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपके जो आपके जो कार्ड है डिजिटल इनपुट कार्ड या एनालॉग इनपुट कार्ड, ये सिर्फ और सिर्फ स्कैन करके प्रोसेसर को डाटा कन्वे करते हैं, लेकिन उस इवेंट को, उस डाटा को स्टैम्प करने का काम हमारे प्रोसेसर का ही है, ठीक है। और ये जो डाटा एक बार स्टोर हो जाता है, हम उसको किसी भी तरीके से देख सकते हैं, ऑफलाइन मोड में जाके देखना हो, या फिर ऑनलाइन देखना हो, या सिमुलेशन देखना हो एक सर्टेन पीरियड का, या एक सर्टेन पीरियड की रिपोर्ट देखनी हो सर्टेन गियर की, तो भी आप देख सकते हैं। एक बार डाटा कैप्चर हो जाए वो इम्पोर्टेंट है। हाउ डज इट वर्क, डाटा इज नथिंग बट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रिले, एंड डाटा लॉगर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉल्ट लॉजिक। फॉल्ट लॉजिक मतलब जब एक फॉल्ट होता है तो इसको दिखाता है, होता है दिखाता है का मतलब क्या कि किसी भी एक सिक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होता है जो प्री डिफाइंड रहता है, राइट। एक सिग्नल हमारा ऑपरेट अगर होना है तो उसके ऑपरेशन में सपोज करिए कि 12-15 रिले पड़ती है, तो उसका एक सिक्वेंस फिक्स होता है, लेकिन जब वो फेलियर होता है तो डेफिनेटली सिक्वेंस में आने वाली एक या दो रिले अपने रोल को प्ले नहीं करती, वो रह जाती है ना, उसमें फेलियर आता है। तो हमारा एक आइडेंटिकल प्लान ऑफ पिकिंग अप ऑफ रिले एक फिक्स होगा, उसमें जो डेविएशन आता है उस डेविएशन की वजह से फेलियर होता है, और उस डेविएशन के बेसिस पे हम इसको अटेंड करते हैं, समझते हैं। व्हाट इज द फॉल्ट लॉजिक, लॉजिक्स व्हिच आर द इक्वेशंस प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ सिग्नल टू बी सैटिस्फाइड बाय द डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्विंग द ट्रेन ऑपरेशन, ट्रैफिक, लोको, इंजीनियरिंग। फॉल्ट लॉजिक, देखिए फॉल्ट लॉजिक के भीतर अगर हम जाएंगे ना, तो फॉल्ट लॉजिक या एक्सेप्शन अगर हम बोलेंगे, तो एक्सेप्शन को डिजाइन करने के बहुत तरीके हैं। हमारे एसएनटी वाले लोगों के लिए तो बहुत आसान है, बट हमारे टेलीकॉम के लोग अगर समझना चाहें, तो बेसिकली आप सपोज करें कि कोई एक सिग्नल है, उसको हमने क्लियर करके रखा हुआ है, और गाड़ी आ रही है, और गाड़ी के आने से पहले सिग्नल डेंजर होता है, फिर वापस क्लियर भी हो जाता है ना, तो इसके लिए एक टाइम गैप होता है। उस टाइम गैप के भीतर हम देखते हैं कि ये इवेंट कितनी बार हो रहा है ना, उसके लिए हम लोग एक प्री डिफाइंड सिस्टम हमने बना रखा है जो हमको आरटीएसओ के थ्रू मिला हुआ है, और उसी के बेसिस पे हम लोग इसको जज करते हैं। सपोज करिए कि हमारा जो सिग्नल का एस्पेक्ट का जो रिले होता है ईसीआर, हमने सिग्नल क्लियर करके रखा हुआ है, ईसीआर मेरा अप है, फिर डाउन हो रहा है, फिर अप हो जा रहा है, और अगर ये 500 मिली सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में होता है, उतनी देर के लिए ड्रॉप होता है और फिर से पिकअप हो जाता है, तो इसको हम लोग एक काउंट मान लेते हैं। अब अगर ऐसा काउंट एक जो उसको हम कह रहे हैं वो 10 सेकंड के भीतर 2 से 3 बार आ गया ना, तो हम लोग बोल देते हैं यार ये फॉल्ट है, फॉल्ट लॉजिक हमने इसका बना लिया। अगर ऐसा आएगा तो हम मान लेंगे कि ये सिग्नल बॉबिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग फॉल्ट लॉजिक डिसाइड करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका मान लीजिए पॉइंट का जो फेलियर होता है कई बार, है ना, अगर पॉइंट का जो इंडिकेशन वाली रिले है NWQR RWQR हमारी रहती है, अगर भाई डेफिनेटली अगर मेरा पॉइंट सेट है तो या तो नॉर्मल में होगा तो या तो रिवर्स होगा, तो दो में से कोई एक रिले तो पक्का पिकअप होगी। लेकिन पॉइंट के फेलियर को लॉजिक को हम कैसे डिसाइड करेंगे,
अगर दो के दोनों ही रिले ड्रॉप पड़ी हो तो हम अपना लॉजिक डिफाइन कर देंगे कि हाँ ये पॉइंट के फेलर का लॉजिक है, ठीक है ना। तो इस तरह से फॉल्ट लॉजिक तैयार किए जाते हैं। अच्छा एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि लूज पैकिंग आप कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। लूज पैकिंग डिसाइड करने के लिए बताया है कि आपका जो इनपुट है वो पॉइंट का नॉर्मल इंडिकेशन हमने चलो दे दिया, अब कंडीशन हम बता रहे हैं कि अगर डाउन है या आप है तो कब तक है, क्लियर दे दिया कि 250 मिलीसेकंड से 2 सेकंड के बीच में, है ना। तो ट्रैक सर्किट अगर डाउन है तो मानेंगे क्या कि गाड़ी उस ट्रैक पे खड़ी है, और उस दौरान मेरा पॉइंट अगर वो एनडब्ल्यू क्या पिकअप हो रहा हो, ड्रॉप हो रहा हो बार बार, तो हम समझ जाएंगे कि उस ट्रैक पे मूवमेंट हो रहा है और अपना डिटेक्शन कॉन्टेक्ट बार बार ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब कि वहां पे हो सकता है कि लूज पैकिंग की संभावना ज्यादा हो। तो इस तरीके से हम फॉल्ट लॉजिक डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही ओवर स्पीडिंग का है। अभी ओवर स्पीडिंग का क्या, हमें यहाँ पे ओवर स्पीडिंग करनी पड़ेगी ताकि हम इसको जल्दी कंक्लूड कर सकें और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देख सकें डाटा लगर का जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे फंक्शनल डायग्राम दिखाया हुआ है कि ये काम कैसे करता है। आप देखिए ये जो सीपीयू कार्ड है ना, इस सीपीयू कार्ड के तीन चार हिस्से आपको देखिए, यहाँ पर एक ये सीपीयू कार्ड है, इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है ना, ये मोटोरोला 62 68000, ये 32 बिट का एक अपना प्रोसेसर रहता है। इसमें एक फ्लैश रोम भी रहता है। फ्लैश रोम में क्या होता है, फ्लैश रोम में सारा डाटा आके सेव होता है जिसको आप कभी भी देख सकते हैं, और ये रैम में कंपनी में डाटा सेव रहता है ना, जिसको आप एग्जीक्यूशन सॉफ्टवेयर बोल लीजिए। अब इसके ये सीरियल पोर्ट है जो आपका फेल एनालिसिस सिस्टम वगैरह से, जिसको हम FAS कह रहे हैं, तो उससे कनेक्टेड रहेगा। आप एक प्रिंटर को चाहे तो सीधे इसे अटैच कर सकते हैं। आपके इस पर एक अल्फा न्यूमेरिक LCD डिस्प्ले भी होता है। इसके अलावा इसमें ना एक मैट्रिक्स LED का एक मैट्रिक्स होता है, आपको दिखाई देगा पिक्चर ध्यान से, ये वाला आप देखें, हाँ ये इसको आप ध्यान से देखिए, तो ये एक आपको मैट्रिक्स LED का दिखाई दे रहा है, ये 512 LED का एक मैट्रिक्स रहेगा। ये जो मैट्रिक्स है ये आपके डिजिटल इनपुट कार्ड जो स्कैन कर रहे होते हैं रिले के स्टेटस को, उसको शो करता है ना। बत्ती जल रही है मतलब रिले पिकअप है, बत्ती गई मतलब रिले ड्रॉप, और ऊपर आपके इसका जो है एक टाइम दिखाता रहता है। इसमें एक अल्फा न्यूमेरिक की भी रहती है, इस कीपैड के जरिए हम न्यूमेरिक कीपैड रहता है, इसके जरिए हम इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं मशीन को डायरेक्टली, है ना। अगर आपका किसी तरह से कंप्यूटर खराब हो गया, ये जो FAS हम फेलियर एनालिसिस सिस्टम बोल रहे थे, वो अगर खराब हो गया तो आप इससे सीधे सीधे डाटा लगर रिक्वायरमेंट को ऑपरेट कर सकते हैं। अब आपका ये जो CPU कार्ड है, इसके साथ हमारे डिजिटल इनपुट कार्ड्स जिसको हम लोग DSU बोल रहे हैं, इसमें ये कार्ड देखिए यहाँ पर हैं, कुछ तो इसमें इनबिल्ट भी रहते हैं, ये इनबिल्ट वाले को दिखाया गया है, और ये डिजिटल इनपुट कार्ड है DSU, और ये एनालॉग इनपुट कार्ड ASU, ये आपके CPU से कनेक्टेड रहते हैं, और इन इनपुट कार्ड्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं हमारे जो फिजिकल रिलेज जो रिले रूम में लगी हुई है उससे, और ये जो एनालॉग इनपुट है ये हमारे कनेक्टेड होते हैं उन सोर्स ऑफ पावर सप्लाई से, जिनसे हम अपने सारे गियर्स को चला रहते हैं या फिर जिन सप्लाईज को हमको मॉनिटर करना है, और ये एंड हमारा नेटवर्किंग से इंटरफेस करता हुआ है, आंसरिंग ओरिजिनेटिंग डुअल मॉडेम कार्ड से कनेक्टेड रहेगा, और ये पूरी क्वाड केबल बिछी रहेगी नेटवर्किंग के लिए, जो इधर के स्टेशन से इस साइड के स्टेशन से जो दोनों साइड के स्टेशन से उनसे कनेक्टेड रहते हैं, और एंड में ये आके कनेक्ट हो जाता है आपका जो हेडक्वार्टर में या डिवीजन में जो कंट्रोल ऑफिस है वहां के मॉडेम से कनेक्ट होता है, और ये FEP है। FEP मतलब व्हाट, फीड एंड प्रोसेसर, फीड एंड प्रोसेसर, ये वर्ड्स देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं डाटा लॉगर में, बाद में ऑब्जेक्टिव्स में काम आएंगे, है ना। इसको FEP बोलते हैं, यानी फीड एंड प्रोसेसर। ये आपका हो गया FAS, फेलियर एनालिसिस सिस्टम या फेलियर एनालिसिस यूनिट, है ना। ये DSU ASU क्या है इसको समझिए, और फिर ये रहता है CMU, सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है ये। हेडक्वार्टर में आपके यहाँ डिविजन कंट्रोल ऑफिस जो होता है वहां पे CMU होता है, ये CMU कनेक्ट होता है FEP से, फीड एंड प्रोसेसर से, और ये फीड एंड प्रोसेसर कनेक्टेड होता है आपके पूरे नेटवर्क से, ठीक है ना, जो पूरे डिवीजन में फैला होगा। तो FEP से कनेक्टिविटी होती है सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट की, और सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट जो आपका डिवीजन में होता है वो आपके पूरे डिवीजन में सारे जो डाटा लॉगर है उनसे कनेक्टेड है, और ये उनके एक्सेप्शन अलार्म अपने यहाँ जनरेट करता रहता है, और यहाँ से हम किसी भी स्टेशन का सिमुलेशन भी देख सकते हैं, राइट। तो बेसिकली डाटा लॉगर यही है, पढ़ने जाएंगे तो बहुत कुछ आ जाएगा। ये इक्विपमेंट का रैक यहाँ पर दिखाया हुआ है जो आपने देखा होगा,
आरडीएसओ का स्पेसिफिकेशन ये जरूर याद रखिए, और इसी का ही नहीं यही वही का भी आप लोग याद रखिए, है ना, ऑब्जेक्टिव में ये आते ही रहते हैं। टेक्निकल डिटेल्स, आपका जो डाटा लगर होता है वो 24 वोल्ट की सप्लाई पे काम करता है, 10 लाख इवेंट स्टोर कर सकता है, 10 लाख इवेंट, इवेंट मतलब वो डाटा पैकेट्स, ठीक है ना, वो जो स्टेटस जो रिकॉर्ड करता रहता है। इसमें इंटरनल बजर भी होता है, फिर के टाइम अलार्म दे सकता है, लेकिन ज्यादातर जगह पर उसको हम डिसेबल करके रखते हैं। इसमें एक आरटीसी भी होती है, रियल टाइम क्लॉक, जो इंटरनल बैटरी से ऑपरेट होती है। यानी व्हाट, यानी अगर आपका डाटा लवर को दी जाने वाली पावर सप्लाई हम बंद कर दें और अपनी जो बैटरी चार्जर के साथ लगी बैटरी को भी किसी तरह से हम डिस्कनेक्ट कर दें, तो भी हमारी इंटरनल बैटरी इक्विपमेंट में एक ऑलरेडी लगी रहती है जिससे हमारा रियल टाइम क्लॉक चल रही होती है। तो आप 24 घंटे बाद भी आप उसको, 4-5 घंटे बाद भी आप उसको ऑन करते हैं तो टाइम स्टेपिंग वो करने के लिए अपनी यहाँ से रेफरेंस लेता रहेगा। और वो जो आपको मैंने छोटे छोटे एलईडी का एक ग्रुप दिखाया था जिसको हम लोग एलईडी मैट्रिक्स बोलते हैं, वो हमारे 512 की संख्या उसकी होती है और वो 512 हर एक डिजिटल इनपुट को डिनोट करता है, ठीक है ना, ये इसकी मिनिमम कैपेसिटी है 512। फिर 4096 ठीक है ना। तो ये हमारी एलसीडी की जो स्क्रीन है उसके ठीक ऊपर 7 सेगमेंट का एक डिस्प्ले भी रहता है। कीबोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया, आपके डाटा लगर पे आप मैक्सिमम डिजिटल इनपुट 4096 तक लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। तो 512 का जो सेट आपको दिख रहा था आप उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उसी को सबके लिए इस्तेमाल करें, अरे सॉरी आप सबके लिए एक नया वो लगाते जाए, नहीं, इक्विपमेंट में तो एक ही आता है, वो 512 ही रहता है, लेकिन आपका जो वायर फिजिकली वायर डिस्प्ले है उसके साथ वो कनेक्टेड रहेगा, उनको डिनोट करता रहेगा। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको कंसोलिडेटेड तो आपको डाटा लगर इक्विपमेंट से सीधे सीधे भी मिल जाएगी, अगर आप वो जो न्यूमेरिक कीपैड होता है उसको ऑपरेट करना जानते हैं तो, और नहीं तो अपने पास वो फेल एनालिसिस सिस्टम तो है ही हर डिजिटल इनपुट को देखने के लिए, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, आपका जो डिजिटल इनपुट कार्ड होते हैं उनसे जो आने वाला इनपुट होता है वो हर 16 मिलीसेकंड्स में चेक होता रहता है। चेक होने का मतलब क्या कि आपका जो एक्चुअली जो डिजिटल इनपुट है ना बेसिकली वो पोटेंशियल से कॉन्टैक्ट होता है। पोटेंशियल से कॉन्टैक्ट क्या होता है कि अगर आपके किसी रिले का जो कॉन्टैक्ट है ना उसको हम लोग वायर करते हैं इनपुट के साथ में, वो क्लोज कंडीशन में रहेगा तो उसमें करंट फ्लो होती रहेगी, ठीक है ना। तो आपका जो डीएसयू होता है डिजिटल इनपुट कार्ड, इसमें एक्चुअली एक वो लगा रहता है स्विचिंग ट्रांजिस्टर रहता है ना, जो हर 16 मिलीसेकंड्स में ऑपरेट होता रहता है। तो अगर करंट फ्लो हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मेरा कॉन्टैक्ट रिले का ओपन है तो हमारे स्विचिंग ट्रांजिस्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी। जब फ्लो नहीं होगी तो इस अब्सेंस ऑफ करंट को वो एक तरह से डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट करते ही प्रोसेसर को कन्वे कर लेता है, तो प्रोसेसर हमारा उसको एक तरह से रिकॉर्ड कर लेता है, सेव कर लेता है ना। तो चूंकि हर 16 मिलीसेकंड्स में हरकत होती है इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे जो डिजिटल इनपुट है वो हर 16 मिलीसेकंड्स में अपने पास रिकॉर्ड होते रहते हैं, हमारा उसको चेक करता रहता है प्रोसेसर, ठीक है ना। और आपका जो एनालॉग इनपुट है, जो आपके पावर सप्लाईज हैं, वो हर 1 सेकंड में स्कैन होता है। ये दोनों फिगर याद रखिएगा, 16 मिलीसेकंड में डिजिटल इनपुट और एनालॉग जो है आपका 1 सेकंड में। वैसे मैं ऑफ द रिकॉर्ड ये बता दूं आप लोगों को कि जो डिजिटल इनपुट स्कैनर टाइम है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो आज बताते हैं कि साहब 8 मिलीसेकंड्स में होता रहता है, ठीक है ना, तो टेक्निकली 8 मिलीसेकंड में हो जाता है, लेकिन हमारे जो रिसर्च के रिकॉर्ड है और हमारे जो वो आरडीएसए के जो गाइडलाइन है वो अभी भी बताती है 16 मिलीसेकंड है एज पर रिकॉर्ड। तो आप जो है, अरे 16 मिलीसेकंड है, तो अगर ये क्वेश्चन कभी आता भी है तो 16 मिलीसेकंड पे टिक मारिएगा, 8 पे मत मारिएगा, क्योंकि 8 जो इलेक्ट्रॉनिक्स का रिकॉर्ड है, रेलवे का रिकॉर्ड नहीं, और रेलवे रिकॉर्ड पे चलती है। अच्छा, आपका जो मैं बता रहा था कि आपका जो डिजिटल इनपुट होता है वो बेसिकली पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट के थ्रू मिलता है, लेकिन आपका जो एनालॉग इनपुट होता है वो एनालॉग वोल्टेज को फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करने के बाद पता चलता है, ठीक है ना। तो कभी इसका भी कोई क्वेश्चन आया एनालॉग वोल्टेज लिखा तो उस पर टिक मारिए, नहीं तो फ्रीक्वेंसी पे टिक मारिए कि भाई एनालॉग इनपुट ऐसे स्कैन होता है। फाइन, शुड गो अहेड। हार्डवेयर में इसके डाटा लॉगर में जो मोटोरोला का प्रोसेसर मैंने बताया आपको 32 बिट वाला होता है,
डिजिटल इनपुट कार्ड होते हैं, डिजिटल स्कैनर यूनिट होते हैं, ये इसके भीतर इनबिल्ट होता है, सॉरी वो डिजिटल इनपुट कार्ड इसके भीतर कुछ इनबिल्ट रहते हैं और बाकी डीएसयू आपको दिख रहे हैं। फिर ये एनालॉग स्कैनर यूनिट है एएसयू, इसमें डुअल मोडम कार्ड होता है जो नेटवर्किंग के लिए काम आता है, 24 वोल्ट की पावर सप्लाई का अरेंजमेंट करके रखना पड़ता है। और FAS, FAS क्या है एनीबडी? फॉल्ट एनालिसिस फेलियर एनालिसिस सिस्टम। हाँ, FAS वो कंप्यूटर है जो हम रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और प्रिंटर, प्रिंटर आपका बाहर कंप्यूटर से कनेक्ट होता ही है और आप उसको चाहे तो सीधे टाटा लगर इक्विपमेंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसके पीछे प्रिंटर पोर्ट रहता है। ये रहा चित्र, है ना, इसमें आप देखिए ये आपका डीआईसी है, डिजिटल इनपुट कार्ड, ये सारे कार्ड आपके डिजिटल इनपुट कार्ड है। और ये वो आपका कीबोर्ड है जिसके थ्रू आप इसको ऑपरेट करते हैं, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है और ये इसका मेन एलसीडी है ना, जहां से आप सारे कॉन्टेंट को चाहे तो वन बाय वन ऑपरेट करके चेक करके देख सकते हैं। ये आपका जो है ये डुअल मोडम कार्ड है ना, यार आप इसमें ज्यादा भीतर घुसेंगे ना तो टाइम लग जाएगा, एक काम करते हैं। अच्छा रुकिए, कुछ एक डाटा आपको बता देता हूँ। मोटोरोला प्रोसेसर मैंने इस पर डिस्कशन कर लिया, ये M68000 है ना, 32 बिट वाला होता है और इसकी स्पीड भी शायद 20 GHz होती है ना, इसको आप लोग रिकॉर्ड कर लें कहीं पर, 20 GHz की इसकी स्पीड रहती है। इसका जो फ्लैश रैम है वो 10 लाख इवेंट को स्टोर कर सकता है, डाटा लॉगर की मेमोरी में ये स्टोर रिकॉर्ड होता रहता है। और ये जो डाटा रिकॉर्ड रहता है ना, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे रिकॉर्ड करता रहता है। मतलब अगर मान लीजिए आपका डाटा लॉगर अगर आपका है आज की डेट में और आपने लगभग वो 9,99,999 इवेंट रिकॉर्ड कर लिए हैं, फिर एक आकर रिकॉर्ड होगा तो 10 लाख पूरे हो जाएंगे। सिर्फ जैसे ही अगला एक इनपुट आएगा ना तो सबसे लास्ट वाला इनपुट आपका चला जाएगा, है ना। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये इसको लॉजिक कहते हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे रिकॉर्ड होता रहता है। स्कैन्स डिजिटल सिग्नल यानी रिले ऑपरेशन फॉर एवरी 16 मिलीसेकंड्स, ऑफिशियली 16 मिलीसेकंड्स, एक्चुअली 8 मिलीसेकंड्स, दिमाग में रखिए। स्कैन्स एनालॉग सिग्नल्स एसी डीसी वोल्टेज, कितने सेकंड में स्कैन एनालॉग करेगा? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में, करेक्ट। मीना जी की तैयारी अच्छी है भाई। हार्डवेयर की डिटेल, आगे बढ़ते हैं, इसमें घुसेंगे तो समय निकलेगा और आगे बढ़ते हैं। लिक्विड एलसीडी देख लिया, कीबोर्ड देख लिया, मैट्रिक्स देख लिया। कितना टाइम हमारे पास अभी? सर समय हो गया लगता है। माइनस तो सर टाइम ही टाइम है सर, टाइम ही टाइम है। ठीक है, ये आरटीसी क्या होता है? आरटीसी इंटरनल बैटरी से चलती है, डाटा लॉगर के भीतर रहती है, ठीक है ना। सीरियल पैरेलल पोर्ट, डिजिटल इनपुट कार्ड में हम चलते हैं। हाँ देखिए, ये कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है ना, मैक्सिमम 64 नंबर्स ऑफ डिजिटल इनपुट कैन बी कनेक्टेड टू ईच डिजिटल इनपुट कार्ड। हर कार्ड 64 इनपुट लेगा अधिक से अधिक, ठीक है ना। मैक्सिमम पोटेंशियल फ्री रिले कॉन्टेक्ट रहते हैं, टैग लॉक्स उनकी वायरिंग रहती है, फाइन। डीआईसी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लैट रिमन से कनेक्टेड रहता है। हाँ देखिए, ये जो है ना 8 नंबर ऑफ इनपुट डीआईसी है ना, डिजिटल इनपुट जो इसमें जो इनबिल्ट कार्ड होते हैं डीआईसी, उनकी संख्या 8 होती है, इसे भी आप याद रखिए। दिस इज अ फिगर, इंपॉर्टेंट फिगर है ना। और एक डीआईसी जो है ना वो 8 डिजिटल इनपुट कार्ड को कनेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो अगर एक डीआईसी 8 डिजिटल इनपुट कार्ड को कनेक्ट कर सकता है तो इनबिल्ट तो आपके 8 पहले से ही है, तो टोटल कितना कर लेगा? 8×64 इनपुट्स, राइट। Those cards can contain up to computer and multiplexers. आगे बढ़ते हैं। Maximum 7 number of DSP can be connected to the system. ये connectivity का एक वो physical diagram दिखाया है, जिसमें आपकी एक relay है ना, relay का content देखिए यहाँ पर open है ना, ये हमने इसको grounded कर लिया और एक आपका जो content का एक हिस्सा है उसको हमने wire करके लेके लगा लिया 24 volt के साथ, second end grounded है। और कनेक्टिविटी हमारी जो है टैग लॉक से इसकी किससे है? फ्लैट केबल रिबन से है, ऑप्टो कपलर की, ऑप्टो ऑसिलेटर की, सॉरी वो जो कार्ड पे लगा रहेगा। वायरिंग आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया भाई? अच्छा ये वही कनेक्टिविटी दिखाया गया है ना, डिजिटल स्कैनर कार्ड।
ये पीछे का हिस्सा है, आपको देखना हो तो देख सकते हैं यहाँ पर, या आपके फ्लैट केबल से जिसकी हम बात कर रहे थे ना, इसी से कनेक्टिविटी इसकी रहती है। तब आप देखिए कि आपके जो मदरबोर्ड है ये टॉप साइड में इसका इक्विपमेंट है, मेन इक्विपमेंट ठीक है ना, इसके साथ ये कनेक्टिव मदरबोर्ड की है, इसके साथ आके कनेक्टेड हो गया। और आपका ये जो आप पोर्ट दिख रहे हैं ये आपका एक हिस्सा हो गया, जैसे आपका 512 डिजिटल इनपुट कनेक्ट हो गया ऊपर वाले से ठीक है ना, यहाँ से फिर आपके नीचे आइए, ये एक्सटेंडेड पार्ट है, ये वाला एक हिस्सा जो है ये 513 से 1024 तक ये कनेक्ट कर लेगा, फिर अगले 512 को ये कनेक्ट करेगा है ना, इस तरह से ब्लॉक्स ब्लॉक्स में ये होता जाएगा, फ्लैट केबल के साथ कनेक्ट होते जाएंगे सेंट्रल यूनिट से। एनालॉग स्कैनिंग यूनिट, मैक्सिमम 3 नंबर ऑफ एनालॉग इनपुट कार्ड एएसयू कंटेन्स, ईच इनपुट कार्ड कैन बी कनेक्टेड विद 8 नंबर ऑफ एनालॉग इनपुट्स, टोटल इनपुट कैपेसिटी ऑफ एएसयू इज 8324। फाइन, 4 नंबर ऑफ एनालॉग स्कैनिंग यूनिट्स कैन बी कनेक्टेड टू द सिस्टम, चैनल कैपेसिटी सिस्टम की हो जाएगी 24x4 यानी 96। ये कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को दिमाग में रखिए, एनालॉग इनपुट चैनल की कैपेसिटी सिस्टम में कितनी हो सकती है, 96 तक हो सकती है, ये मैक्सिमम है 96। ये कनेक्टिविटी का डायग्राम दिखाया हुआ है, सारे आपके जो एसी वोल्टेज हैं वो एसी डीसी कन्वर्टर बॉक्स एक सेपरेट हमको देना पड़ता है, उसमें आके कनेक्ट होते हैं, एसी डीसी बॉक्स को पावर पैनल के पास हम फिक्स कर देंगे टाटा लॉगर रैक के साथ में, और ये शील्डेड केबल में कनेक्ट होगा। एक मिनट रुकिए, सीधे इंपॉर्टेंट पे चलते हैं ना हम। ये देखिए एक्चुअली एनएमडीएल वगैरह का जो लेवल है ना थोड़ा सा आगे का है, इसके लिए हमारे टेलीकॉम के लोगों को थोड़ा सा डाटा लॉगर के पीसी पे कभी भी आपके बगल के जो एसएसए सिग्नल हो उनके किसी भी स्टेशन पे जाइए और एनएमडीएल वगैरह को ऑपरेट करिए। अभी तो चूंकि आपका पर्पस लर्निंग का है, आई मीन प्रेपरेशन का है, तो प्रेपरेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत जानकारी उसमें से मिल जाएगी, बाकी एनएमडीएल और आगे की चीज है। तो आपके एनएमडीएल कैसे ऑपरेट होता है ना, ऑफलाइन और ऑनलाइन सिमुलेशन हम लोग कैसे देखते हैं, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करते हैं, ये एक इक्विपमेंट के डिटेल में जाके उसको सीखने वाली बात होगी। प्रेपरेशन के लिहाज से हमको डाटा लॉगर का टॉपिक थोड़ा सा ब्रीफ रखना पड़ेगा। ये देखिए आरडीओसी के जो फॉल्ट लॉजिक्स होते हैं उसकी बात हम करते हैं है ना, ये आरडीओसी ने कुछ गाइडलाइंस दी हुई है कि भाई आपको ये अनयूजुअल इंसिडेंसेस माने जाएंगे और इनका आपको अलार्म जनरेट करके रखना है, और इन अलार्म्स को जनरेट करने के लिए लॉजिक डिफाइन किए जाते हैं ना, लेट स्टार्ट ऑफ ट्रेन, ये कैसे आपका लॉजिक बनेगा आप अंदाजा लगाइए। अंदाजा यही है कि हमारा जो सिग्नल टेकन ऑफ है, सिग्नल दिया हुआ है और गाड़ी उसके वाले ट्रैक पे खड़ी है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, सिग्नल देर तक दीजिए आपको चला रह गया, रूट ज्यादा देर तक सेट रह गया, आप उससे से लॉजिक बना लेंगे, लेट स्टार्ट ऑफ ट्रेन को हम लोग डिटेक्ट करने लगेंगे। ऐसे ही कुल 16 इवेंट है ना, इंपॉर्टेंट फिगर दिमाग में रखिए है ना, आरडीओसी के द्वारा जो सजेशन दिया गया है अनयूजुअल इंसिडेंसेस का, ऐसे 16 इंसिडेंस हैं जिनको आरडीओसी ने डिफाइन किया है कि आपको इसका लॉजिक बना के रखना है और एज ए अनयूजुअल अलार्म जनरेट होना चाहिए। और कुछ एडिशनल लॉजिक्स भी बनाए जाते हैं, ये जिसका एक एग्जांपल है ना, लेट ऑपरेशन ऑफ सिग्नल, जो ऑपरेशन मास्टर ने देर से सिग्नल दिया हो ये भी अपने को पता चलना चाहिए है ना, मैंने पैनल पे बटन दबाई, बटन दबी की दबी रह गई, वो स्टक अप हो गया, वो पता चलना चाहिए। तो ये रहा आपका डाटा लगर, और ये थोड़ा सा हम नेटवर्किंग में हम आ जाते हैं, नेटवर्किंग ऑफ डाटा लगर, ये हमारे लेक्चर का एक छोटा सा पार्ट था। हार्डवेयर के रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगे नेटवर्किंग के लिए, डेफिनेटली हमको डुअल मॉडेम कार्ड चाहिए, फीड एंड फ्रंट एंड प्रोसेसर कहाँ रहेगा भाई, एफईपी कहाँ रहेगा, एफईपी रहेगा आपका वहां पे जहाँ पे आपको पूरे नेटवर्क को मॉनिटर करना है, वो आजकल सीएसआई की ऑफिस भी हो सकती है या फिर डिवीजन का कंट्रोल सेंटर भी हो सकता है ठीक है ना। और डेफिनेटली आपकी क्वाड केबल या ओएफसी के थ्रू नेटवर्किंग रहेगी, आजकल वॉइस चैनल के बाद हम लोग माइग्रेट करके इवन लेवल पे चले गए हैं ना, तो हमारी जो नेटवर्किंग है वो इवन लेवल पे आ चुकी है। सीएमयू क्या होता है आपका, सीएमयू भी आपका कहाँ रहता है, डिवीजन हेडक्वार्टर कंट्रोल ऑफिस में रहेगा। सीएमयू क्या करता है, सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट आपका एफईपी से कनेक्टेड रहेगा और एफईपी आपके पूरे नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा। सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट कनेक्ट होने के बाद फ्रंट एफईपी से मिलने वाले डाटा के बेसिस पे ही सारे एक्सेप्शन और वो अलार्म्स जनरेट करता रहता है,
और कंट्रोल ऑफिस में बैठे बैठे आप किसी भी स्टेशन का अपना वो डाटा रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। कनेक्टिविटी का एक मीडिया देखिए यहाँ पर दिखाया गया है ना। कंप्यूटर कैन ऑल्सो टेक डाटा थ्रू NFEP कनेक्टेड टू ए नेटवर्क। FEP से आप लोकल लेवल पे डाटा भी रिट्राइव कर सकते हैं, इसलिए इसको FEP कहा जा रहा है ना, इट इज नॉट CMU, राइट। और ये देखिए आपके सारे आंसरिंग ओरिजिनेटिंग, ये कनेक्टिविटी हमारी दिखाई हुई डाटा लॉगर की एक डिवीजन में दिखाई हुई, छोटा सा समझ लीजिए। सारे डाटा लॉगर्स की आईडी है, क्वेडिकेबल से कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी अब हम ORC लेवल पे लेके जा चुके हैं, इसलिए ये डायग्राम भी एक तरह से रिडंडेंट है। लेट अस गो अहेड। जिसको नींद आ रही हो वो नींद ले सकता है, क्योंकि मेरे डाटा की अनुशंसा 445 तक ही थी। ये रहा FEP फ्रंट एंड प्रोसेसर। फ्रंट एंड प्रोसेसर क्या करता है, नेटवर्क का डाटा कलेक्ट करेगा और फॉरवर्ड करेगा CMU को, और एज ए बफर, ये एक बफर का काम करता है CMU और लोकल डाटा लॉगर के बीच में, ठीक है ना। ये FEP का रोल है। मॉडम, मॉडम वही है, 4 वायर मॉडम्स रहेंगे कनेक्टिविटी के लिए। 2 टाइप के रहेंगे, इंटरनल वाला, एक्सटर्नल वाला, डुअल मॉडम कह लीजिए चाहे सिंगल, और सिंगल मॉडम भी रहते हैं। दोनों का फंक्शन बिल्कुल डेफिनेटली वही सेम है। ये इंटरनल मॉडम इतने लेवल में आपको घुसने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर ऊपर रहेंगे तो भी काम चल जाएगा LDC के लिए। अनटिल एंड अनलेस आपको SI डाटा लॉगर बनने की आवश्यकता हो तब आपको ये सब पूरा ब्रीफ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इंडिकेशन के लेवल में बहुत डीपर है, जाने की आवश्यकता है नहीं। आप चाहे तो मेरे से PPT ले लेंगे, आपको सारे इंडिकेशन का मतलब पता चल जाएगा। ये एक डुअल मॉडम कार्ड दिखाया हुआ है, इसमें जो सारे इंडिकेशन होते हैं ना, CTS, CD, RD, TD, A, इन सारे इंडिकेशन का क्या मतलब है एक टेबल में यहाँ पे समझाया गया है, फाइन। और ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले रहता है उस पे इंडिकेशन जो आते हैं उनका क्या कंडीशन, उनका क्या मतलब मीनिंग रहता है वो भी यहाँ समझाया हुआ है। अभी ये प्योरली टेक्निकल डाटा है, इसमें आपको भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये देखिए वो प्रोटोकॉल कन्वर्टर के हम लोग जो EI में बात कर रहे थे, है ना, कि आपको EI के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए, सॉरी कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे EI को प्रोटोकॉल कन्वर्टर देना पड़ेगा। डूज एंड डोंट्स कुछ नहीं, मेंटेनेंस रिलेटेड आइटम्स हैं। हाँ, अब अभी हमने डाटा लॉगर के बारे में, हमने जो ओवर स्पीडिंग वाली अभी लेक्चर ली, अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पर थोड़ा सा आ जाते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन अभी तो किसी को तुरंत तो याद हो नहीं जाएगा, कोई अगर बता सके तो बताए। 9200 6 6 A, ठीक है, बिल्कुल रट्टा मार रखा है भाई, बहुत अच्छी बात है। IRS S99 2006 करेक्ट आंसर A रहेगा, ठीक है ना। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर का डाटा लॉग का माइक्रो प्रोसेसर 6800 32 बिट 32 बिट 6 आंसर बताइए ना, A या B, क्या बोल रहे हैं। B 32 बिट मोटोरोला 6800 राइट। यूजर इंटरफेस ऑफ डाटा लॉगर हैज LED मैट्रिक्स टू इंडिकेट द स्टेटस ऑफ डिजिटल इनपुट। हाँ भाई, LED मैट्रिक्स जो रहती है यूजर इंटरफेस के लिए डाटा लॉगर इक्विपमेंट में, LED की मैट्रिक्स और कितने इनपुट्स को दिखा सकती है। 512 अभी हमने बताया था, 512 राइट। What is the minimum and maximum capacity of digital inputs in a data logger? एक data logger में maximum कितना रहेगा? प्रवीण जी, लखन सिंह, मीना जी, बहुत अच्छी तैयारी कर रही है आप लोगों ने, है ना। मिनिमम कितना रहेगा? 256। अरे सॉरी, 512 ही है, और मैक्सिमम हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं उसका, ये 4096 तक, ठीक है ना। अच्छा, एनालॉग में 96 मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम तो 96, मिनिमम कितना? 96 से समझ गया, मिनिमम तो सोचना ही नहीं पड़ेगा, मिनिमम 16 रहता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच डिजिटल स्कैनर कार्ड कैन सपोर्ट अप टू, कितना इनपुट सपोर्ट कर सकता है।
256 है ना, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कैनिंग ऑफ डिजिटल इनपुट इज डन आफ्टर एवरी 16 मिलीसेकंड। और एक्चुअल में कितने में होता है? 8 मिलीसेकंड। हाँ, अगर आंसर में 16 नहीं रहे और 8 है तो 8 मार के आइएगा। 8 और 16 दोनों है तो 16 करना। और दोनों रहेगा तो सिर्फ 16 प्रवीण जी पास हो जाएंगे। ठीक है, ओके। हाँ, ये देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पावर सप्लाई मॉड्यूल ऑफ डाटा लॉगर। डाटा लॉगर में एक्चुअली पावर सप्लाई मॉड्यूल मैंने आपको बताया नहीं, डाटा लॉगर इक्विपमेंट के नीचे एक वो अपना चार्जर लगा रहता है, वो पावर सप्लाई हम इसको 24 वोल्ट के इनपुट लेता है लेकिन दो तरह के पावर सप्लाई जनरेट करता है, बताइए कौन है? 12 वोल्ट 24 वोल्ट 12 वोल्ट। दो तरह की पावर सप्लाई जनरेट करता है, कौन सी बताइए? 12 24। ए 12 नहीं रहता है ना, वो 5 वोल्ट और 12 वोल्ट रहता है। अरे 5 वोल्ट और ये रहता है 24 वोल्ट, ठीक है ना? 24 वोल्ट से तो आपके सारे कार्ड वार्ड चलते हैं, लेकिन 5 वोल्ट जो है हमारा जो प्रोसेसर वाला कार्ड रहता है ना, सीपीयू कार्ड, हाँ, सीपीयू कार्ड को काम करने के लिए 5 वोल्ट का आइसोलेटेड सप्लाई चाहिए, वो भी हम इसी पावर सप्लाई मॉड्यूल से देते हैं, ठीक है ना? इसका करेक्ट आंसर रहेगा 5 वोल्ट 24 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डाटा लॉगर? 10 लाख इवेंट रहेगा। इसके बारे में दो तीन चीजें मैंने बताई थी, इवेंट्स मतलब क्या है, डाटा पैकेट्स है ना, रिले का स्टेटस, इसको इवेंट कहते हैं। और इसका डाटा कंटेंट डिटेल ना सर, सॉरी कंटेक्ट से इवेंट्स ऑफ रिले। हाँ भाई, एक्चुअली वो जो रिले के कॉन्टेक्ट से ही निकल के आता है, तो मैं इसको डाटा को पैकेट के फॉर्म में सेव करते हैं ना हम, तो इवेंट्स मतलब डाटा पैकेट समझ लीजिए, तो ऐसे 10 लाख पैकेट्स इसमें सेव हो जाते हैं। और सेव होगा और एक्स्ट्रा डाटा आएगा तो कौन से लॉजिक के बेसिस पे सेव होगा? मैंने बताया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को आजकल वो भी कहते हैं ना शॉर्ट में फीफो, जैसे फीफा होता है ना फुटबॉल लीग फीफा, ऐसे फीफो, फीफो मतलब व्हाट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसी के बेसिस पे सेव होगा। अच्छा, और क्या बताया था मैंने डाटा की, उसका वो जो कहाँ पर सेव होता है, ये प्रोसेसर कार्ड जो रहता है ना अपना, फ्लैश मेमोरी, हाँ प्रोसेसर कार्ड में जो अपना एक फ्लैश रैम रहता है, नैंड फ्लैश उसको बोलते हैं एक्चुअली, वो 32 MB का होता है बेसिकली, 32 MB का रहेगा है ना, उसी में सेव होगा। 32 MB भी दिमाग में रखिए 10 लाख इवेंट सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, व्हाट इज कनेक्टेड टू व्हाट टू प्रोसेस द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम ऑल डाटा लॉगर्स एंड जनरेट्स अलार्म एंड सिमुलेशन। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, ये ऑप्शंस को बिल्कुल ध्यान से देखिए फिर बताइए। हाँ, करेक्ट आंसर इज डी, सीएमयू इज कनेक्टेड टू एफईपी है ना, आपका जो सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट है वही आपका फ्रंट एंड प्रोसेसर से कनेक्टेड रहेगा है ना, फ्रंट एंड प्रोसेसर आपका डिवीजन के नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है। और अलार्म जनरेट करने का काम, सिमुलेशन जनरेट करने का काम किसका है? सीएमयू का ही है, इसलिए ये याद रहना चाहिए। ठीक है, बस यही है और ये कुछ डाटा है। अच्छा, एक और चीज देखिए, एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जो आपका डाटा के जो स्पीड होती है ना 57.6 KBPS होती है, इसको आप कहीं दिमाग में रखिएगा है ना, ये जल्दी मिलेगा नहीं। ठीक है डियर, दिस इज एनफ फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से ज्यादा का समय लिया आपका हम लोगों ने।